बच्चे चले गए थे कुछ हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक जो है बेसिकली महाजनपद दास, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करनी है हम लोग को। और अभी तक जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइफ है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को, ठीक है। मतलब राजनीतिक परिदृश्य देखना है इस समय हम लोग को, या उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा है। आप सबने सुना होगा अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, ठीक है, या फिर महाराणा प्रताप के बारे में। ये सब राजाओं के बारे में हम सब सुनते रहते हैं, राजवंश मुगलों का सुन लेते हैं, मौर्यास वंश सुन लेते हैं, ये सारे वंशज भी सुनते रहते हैं। तो ये सब है क्या, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो भारत के अंदर वंशजों के फॉर्म में डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है। बहुत सारे वंश आए और बहुत सारे वंश आके भारत के ऊपर आके अपनी अपनी स्थापना करते चले गए, लेकिन उन वंशों की श्रृंखला का सबसे प्रारंभिक रूप जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाजनपदास बोलते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक लाइफ अगर कहीं से शुरू हुई है भारत के अंदर पॉलिटिकल फॉर्म में, तो वो क्या है, महाजनपद, ठीक। महाजनपद एक वो इरा है जिस इरा के अंतर्गत हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत के अंदर जितनी भी मोनार्कीज आई, मोनार्की का मतलब राजशाही से होता है, तो जितनी भी राजशाही भारत के अंदर आई उनकी शुरुआत या फिर उनका कहीं ना कहीं शुभारंभ इसी काल से होना शुरू हो गया था, ठीक है। महाजनपदास का काल बेसिकली देखिए 600 से लेकर 300 BC तक है। BC का मतलब यहाँ अभी ईसा पूर्व ही चल रहा है, वही ईसा पूर्व जहाँ हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी बातें कर रहे थे, तो अभी ईसा पूर्व ही चल रहा है। धीरे धीरे ईसवी तक आएंगे हम लोग, लेकिन अभी ईसा पूर्व की चर्चा यहाँ पे करनी है हम लोगों को। तो महाजनपद 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व की यहाँ पे हमें बातें करनी है। अब इस पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर कौन कौन से वंश आए और पहला वंश कौन सा आया, अंतिम वंश कौन सा आया, ये सब की चर्चा हम लोग को करनी है, ठीक है। अब देखिये ये शब्द इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यहाँ पे महाजनपद, ठीक। महाजनपद की जब हम लोग बात करते हैं तो महाजनपद कोई एक ब्रॉड टर्म कहीं से ईजाद नहीं हो गया, अचानक से नहीं आ गया, इसकी एक श्रृंखला रही है। और श्रृंखला के अंदर आप लोग को मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कबीले से। कबीला वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कबीला एक वर्ड होता है, कबीला वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। पहले के जमाने में देखे होंगे लोग छोटे छोटे कबीले बना के रहते थे, है ना, छोटे छोटे ऐसे कबीले बना के रहते थे जहां पे वो अपने एक राजा को चुना करते थे और वो राजा उन कबीलों की पूरी राजनीतिक परिदृश्य को देखा करता था। ये होते थे कबीले, ठीक है। कबीलों से धीरे धीरे क्या हुआ, इनका फॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, ये और फॉर्म होना शुरू हो गया और ये फॉर्मेशन धीरे धीरे पहुंच गया जनपदास में। इसमें जनपद जिसको हम लोग बोलते हैं या अंग्रेजी में जनपदास बोलते हैं, ये कबीलों का फॉर्मेशन और ब्रॉड हुआ। मतलब एक कबीला दूसरे कबीले के साथ मिला होगा, आपस में इन लोगों का कोई ना कोई समझौता हुआ होगा, तो दो छोटे छोटे कबीलों ने मिलकर क्या बना लिया, एक जनपद बना लिया, या दो से अधिक कबीलों ने मिलकर क्या करा, एक जनपद बना लिया। मतलब अगर यहाँ पे अभी 50 लोग किसी कबीले में रहते थे तो एक जनपद में अब 100 लोग रहने लगे क्योंकि दो कबीले मिल गए आगे, या इससे प्लस हम लोग मान लें तो कई सारे कबीलों का मिश्रण क्या हुआ, जनपद में मिलकर बनना शुरू हो गया, तो ये जनपद कहलाना शुरू हो गया, ठीक है। इन्हीं कई सारे जनपदों को जब मिलाया गया तो यही फॉर्म किसका बन गया, महाजनपद का, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटे जनपदों को जब आपस में मिलाया गया वही क्या बन गया, महाजनपद बन गया। तो महाजनपद का जो फॉर्मेशन है कोई एक दिन का फॉर्मेशन नहीं है, 600 BC के अंदर महाजनपद का युग शुरू हो गया। मतलब अब जनपद से लोग धीरे महाजनपद में जा चुके, महाजनपद या फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी आप इसको कह सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि भारत के अंदर अब सामाजिक रूप से या फिर समाज का एक ऐसा तबका पैदा हो गया था जो राजनीतिक परिदृश्य या राजनीति में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि इससे पहले की लाइफ आप लोग ने पढ़ी है, पहले क्या होता था, पहले हम लोग देखते हैं कि कोई राजा या इस तरीके का कोई भी किंगशिप हम लोग को भारत के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अगर 600 BC से पहले पहले की बातें करें, थोड़ा बहुत आप लोग ने देखा होगा वैदिक इरा में, यहाँ पे देखा होगा जरूर, वैदिक इरा की जब आप लोग बात करते हैं तो आर्यंस आए, आर्यंस ने आगे क्या करा था, रूलिंग डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। लेकिन वो रूलिंग डायनेस्टी भी ऐसी नहीं थी कि समाज को एकत्रित करके और एक राजनीतिक तौर पर एक राजा की नियुक्ति करके और पूरे समाज को चलाना, ठीक है। तो महाजनपद की कई सारे फीचर्स होते हैं जिसमें एक टेरिटरी होती है, टेरिटरी के साथ में आप पूरे के पूरे उस समाज को बांध के चलते हो, अपना राजा घोषित करते हो, ठीक है, जिसमें गणतंत्र और राजशाही दोनों उसके प्रमुख भाग होते हैं। तो ये होता है
महाजनपद, ठीक। महाजनपद लोगों ने क्यों बनाए या जनपद लोगों ने क्यों बनाया या कबीले लोगों ने क्यों बनाया? कबीले तो एक पुराना फॉर्म है, लेकिन जनपद लोगों ने क्यों बनाना शुरू करे? पहली बार जब आयरन की खोज हुई कहां पे हुई थी पता है ना आप लोग को? कहां पे हुई थी? लेटर वैदिक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग देखते हैं कि आयरन या लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे की खोज के बाद मानव धीरे धीरे अब कहां पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया था? एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए जहां जहां उसे लोहा मिलता जाता था। जैसे अतरंजी खेड़ा पहली जगह थी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लोहा दिखा था, ठीक है। उसके बाद में मानव ने क्या करा, उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे मूव ऑन करना किया आगे कि भाई यहाँ कौशल में भी तो है, यहाँ पे भी हमें लोहा दिख रहा है, तो लोग इधर बढ़े, यहाँ से वस्त्र में बढ़े, यहाँ से मगध में बढ़े, यहाँ से अंग में बढ़े। तो लोगों ने क्या करा, एक सोसाइटल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया कि जहां जहां पे आयरन या लोहा मिलता जाता था लोग शिफ्टिंग करते चले जाते थे, और जहां जहां वो शिफ्टिंग करते चले जाते थे ऐसे इलाकों को वो नाम क्या दे देते, जनपद नाम दे दिया करते थे, ठीक है। अब कई सारे जनपद बन गए, इतने सारे जनपद बन गया कि हर जनपद को संभाल पाना मुश्किल था। तो क्या हुआ, समझौते होना शुरू हुए। उन समझौतों में ये हुआ कि एक जनपद, दो जनपद, चार जनपद साथ में मिलेंगे और एक महाजनपद बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भारत के अंदर टोटल मिला के इस समय काल में 16 महाजनपद हम देखते हैं कि हमारे हाईलाइट कितने हुए, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं वो डिटेल्स कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में दी गई हैं, कुछ वहां पे हम लोग देखते हैं, कुछ राजनीतिक किताबें हैं उसके अंदर उसका बारे में दिया हुआ है। जैसे आपको बुद्धिस्ट एक बुक मैंने बताई थी अगुंतर निकाय के बारे में, ठीक है। तो अगुंतर निकाय के अंदर लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपद के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्चस्व बुद्धिज्म का देखने को मिलता था वो अंग या मगध के अंदर देखने को मिलता था, ठीक है। वो सब बातें उन्होंने वहां पे लिखी हुई है। तो 16 महाजनपद का सबसे पहले अगर प्रमाण देखने को मिला तो कहां, अगुंतर निकाय के अंदर देखने को मिला, ठीक है। इसी तरीके से एक राजनीतिक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्याय, ठीक है। अष्टाध्याय पाणिनी की किताब है, पाणिनी बहुत बड़े राइटर रहे हैं एक समय के, और उन्होंने इस किताब को जब लिखा तो उन्होंने इसके अंदर फॉर्मेशन कितने महाजनपद का बताया, 16 महाजनपद का फॉर्मेशन बताया। वैसे कई सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं की है कि 16 महाजनपद नहीं कि 20 महाजनपद भी देखने को मिले, 28 महाजनपद भी देखने को मिले, बट ऑफिशियली हमने जो दो किताबों का रेफरेंस लिया, जो प्रमाणिक किताबें हैं अगुंतर निकाय और पाणिनी की अष्टाध्याय, इन किताबों के फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि भाई 16 महाजनपद यहाँ पर रहे होंगे, और इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करनी है। और आज ही एक क्लास में हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आपको जो मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर अलग अलग तरीके के महाजनपद दिख रहे होंगे जिन महाजनपदों को यहाँ दर्शाया गया। ओवरऑल महाजनपद का जो पूरा छत्ता दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। नॉर्थ इंडिया बेसिकली बोला जाता है, उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में भी उसका पश्चिमी जो इसका पूर्वी इलाका है उस पूर्वी इलाके के अंदर देखने को मिलता है कि महाजनपदों का पूरा एक फॉर्मेशन था, एक झुंड था, ठीक है। हाँ, एक आध अलग है, जैसे असमक जो महाजनपद है वो सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा महाजनपद है जिसकी फॉर्मेशन थोड़ी बहुत साउथ में देखी जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें वेस्टर्न के इलाके में तो कंबोज और गंधार, ये दो अलग महाजनपद देखने को मिल जाते हैं जिनकी फॉर्मेशन हमें वेस्टर्न इलाके के अंदर देखने को मिल जाते हैं, वरना सारे लगभग 12 से 13 महाजनपद कहां पाए जाते हैं, इस पूरब या फिर उत्तर प्रदेश बिहार इन्हीं की सराउंडिंग में सब सारे महाजनपद पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपद का उदय इस तरीके से हुआ। अब 16 के 16 महाजनपद के नाम आपको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसलिए देखो, एक तो मैप के बेसिस पे आप याद कर सकते हो, और मैप के बेसिस पे आसानी से ऐसे याद कर सकते हो कि अगर पास्ट में उसका कुछ नाम रहा होगा तो प्रेजेंट में उसका ये नाम रहा होगा, और आज के समय में कौन सी लोकेशन पे है वो, है ना। तो अगर आपको आज की लोकेशन बता दी जाए तो आप लोग प्रीवियस नाम को याद करने में कठिनाई नहीं महसूस करोगे। तो इसको कैसे याद करना है, बेसिकली हमें महाजनपद का नाम पता होना चाहिए, हमें महाजनपद की राजधानी पता होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि आज के समय में वो एरिया कौन सा है जहां पे वो महाजनपद पाया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, उस सब के बारे में भी हम लोग वन बाय वन चर्चा करते ही चलेंगे, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद जिनका विकास भारत के अंदर हुआ 600 से 300 बीसी तक ये भारत के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं 600 से 300 बीसी के बीच में एक महाजनपद बहुत बड़ा क्रिएट होगा जिसका नाम मगध होगा, ठीक है। और मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अन्य 16 महाजनपदों में से जो भी अन्य महाजनपद बचे उन सब के ऊपर अपना प्रभाव भी जमाया, और ऐसे महाजनपदों को इसका पार्ट बना लिया,
अपने साम्राज्य का पार्ट भी बना लिया। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इस मगध एम्पायर में जाता है, तो वो जाता है मौर्यन डायनेस्टी को। किसको? मौर्यन डायनेस्टी को। मौर्यन डायनेस्टी अशोका द ग्रेट, सुना है आप लोग ने, इसी से लेने वाले हैं। तो इसी के अंदर मगध एम्पायर से भी एक बहुत बड़ा एम्पायर निकलेगा जिसको हम लोग मौर्यन एम्पायर के तौर पर जानते हैं। यहां तक क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मेशन समझ आ गए कि अगर हम लोग महाजनपद पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अब आने वाले समय में हम लोग को राजवंशी पढ़ने, ठीक है, चाहे मौर्य राजवंश पढ़ेंगे, मौर्य राजवंश से पहले हरियंत वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, ऐसे राजवंशों के साथ साथ में फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम लोग दिल्ली सल्तनत पे चले आएंगे जब मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये श्रृंखला पढ़नी जरूरी है कि जो रूलिंग डायनेस्टी भारत के अंदर आई, वो रूलिंग डायनेस्टी ये क्यों आई और कैसे क्रिएट हुई, ठीक है। महाजनपदास को बोला जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज का मतलब ये है, ये द्वितीय शहरीकरण का जो है कालक्रम कहलाता है। और द्वितीय शहरीकरण जब मैं बोल रहा हूँ तो पहला भी कोई ना कोई रहा होगा। पहला शहरीकरण कब हुआ और किस दौरान हुआ था, कोई बता सकता है? हड़प्पा सभ्यता। वेरी गुड। मतलब हड़प्पा सभ्यता हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन का पहला फेज है। मतलब अर्बनाइजेशन अगर सबसे पहले देखी गई थी तो हड़प्पा में देखी गई, उसके बाद वैदिक भी आया, लेकिन वैदिक कैसा था? रूरल, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का दौर कहलाया। तो इसको सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज भी कहलाते। महाजनपद के उदय के पीछे कई सारे कारण और भी जिम्मेदार हैं। एक तो मैंने आपको बताया आयरन, लोहे की खोज होती गई, लोग शिफ्ट होते चले गए, बसते चले गए, और उन्होंने बड़े बड़े प्रांतों को बसाना शुरू कर दिया। आयरन के अलावा और भी कोई चीज हो सकती है? आयरन के अलावा हो सकता है एग्रीकल्चर, हो सकता है कृषि, ठीक है, कृषि का विकास हो रहा था इस समय, बहुत तेजी से विकास बढ़ता चला जा रहा था कृषि का। आयरन की खोज ही कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हुई, क्योंकि आयरन की जब खोज होना शुरू हो गई, उससे पहले के लोग क्या करते थे, आयरन की जगह पे लकड़ी के हलों को यूज करते थे। हल जो होता है जिससे आप जो खेत वगैरह जोतते थे, ठीक है, तो हल कैसे होते थे, लकड़ी के होते थे। या फिर इंसान क्या करा करता था, दानों को लेके जो भी फसल के लिए उगाने के लिए ऐसे छिड़क दिया करता था, खेत में जाके ऐसे फैला दिया करता था, और उससे जो भी उपज होती थी उसको यूज करा करता था, ठीक है। अब इस उपज का बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही लोहे का हल आया, लोहे के हल ने एक बहुत बड़ा चेंज ये किया कि उसकी शार्पनेस बहुत होती है ना, उसमें धार अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, नुकीला है वो जब जमीन के अंदर उसको मारा जाएगा तो वो जमीन में ज्यादा अंदर गहराई तक जाएगा, और जब वो ज्यादा अंदर गहराई में जाएगा आप उसमें जब फसल को लगाओगे तो फसल अब और प्रोडक्टिव होकर निकलेगी, और ज्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और फसल की मात्रा भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीजन था कि एग्रीकल्चर की वजह से भी लोगों ने महाजनपद को क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर एक और कारण इसलिए भी बना कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट ही होना क्यों शुरू हो गए इस समय, उनके पास तो ऑप्शन वो वाला भी था ना कि लोग इस समय में मांस वगैरह यूज किया करते थे। मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध या जैनिज्म का जब उदय होना शुरू हुआ था तो हर घर ऐसा था हर घर में मांस हो गया था, ये वाली हालत हो चुकी थी भारत की, तो लोग मांस पे इतना डिपेंडेंट थे, तो वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट ही क्यों हुए, उसके पीछे कारण अगर आप जाओगे तो यही बुद्धिज्म और जैनिज्म को माना जाएगा। जैनिज्म तो बहुत कठोरता से पूरी तरीके से जीव हत्या के विरुद्ध था, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, मानव के जो इस समय में जीव की जो हत्याएं होती थी, जो मानव किया करता था, उस जीव की हत्याओं को इन धर्म के प्रभाव में आके करना बंद कर दिया था। तो भाई खाएंगे क्या, भूखे तो नहीं मरना है ना, तो भूखे नहीं मरेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर पे लोग इस समय ज्यादा शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो ये कारण बना जिन्होंने क्या करा, महाजनपदों को बड़ी तरीके से विकसित करना शुरू कर दिया, ठीक है। महाजनपद दो तरीके के होते हैं, महाजनपद अगेन फिर ऐसा नहीं है कि महाजनपद में सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो राजा आ रहा है और राजा आके रूल करना शुरू कर रहा है, लोगों को कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं था। दो तरीके के महाजनपद थे, एक को मोनार्किकल सिस्टम बोलते थे, जो राजशाही होता था पूरी तरीके से, जिसमें एक राजा होता था और उस राजा की तमाम बातें पूरी जनता फॉलो किया करती थी। दूसरा और होता था जिसको गणतंत्र बोला जाता था, ठीक है, गणतंत्र आप सब लोग समझते हैं, जहां यहाँ पे क्या होता था, गणतंत्र का एक ऐसा फॉर्म था यहाँ पे 10-12 राजाओं को चुना जाता था, कितने 10-12 या ग्रुप्स ऑफ किंग्स को चुना जाता था, और उन ग्रुप्स ऑफ किंग्स में से क्या करा जाता था, जिसको जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई वो उसी व्यक्ति का वो विभाग संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती,
ठीक है। तो मतलब मल्टीपल राजा रहा करते थे वहां और मल्टीपल तरीके से रूल करते थे। ऐसी राजशाही क्या कहला, ऐसी राजशाही तो नहीं कहलाएगी, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, गणतंत्र को फॉलो करने वाले लोग कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से पूरे अगर 16 महाजनपद में उठाओगे तो 2 से 2 महाजनपद है जिसमें आपको वज्जी और मल दिखाई देंगे, ये 2 महाजनपद है। पंचाल महाजनपद एक और है लेकिन वो शुरू में राजशाही वंशी रहा है, लास्ट में आते वो क्या हुआ था, गणतंत्र हो गया था, तो मिला जुला है, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फिलहाल महाजनपद कौन कौन से थे, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ये सब बातें तो हो गई, राजशाही महाजनपद और गणतांत्रिक महाजनपद समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बारे में वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया। हाँ, एक डिफरेंस और देख लीजिएगा, राजशाही महाजनपद जो था वो बेसिकली ब्राह्मणों को या फिर यज्ञों को ज्यादा महत्व देता था। ये क्या करता था, जो राजशाही महाजनपद था वो बोलता था ब्राह्मण सर्वोपरि है और ब्राह्मण आके यज्ञ करेंगे, उसी के थ्रू रिलीजन को फॉलो किया जाएगा, तो ये उस पर पूरा निर्भर हुआ करता था। लेकिन गणतंत्र में क्या बोला जाता था, गणतंत्र में बोला जाता था ब्राह्मण और वैदिक यज्ञों के ऊपर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, जनता यहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट करेगी हर एक तरीके की गतिविधियों में, ठीक है। तो गणतांत्रिक महाजनपद इस मामले में राजशाही महाजनपद से थोड़ा बेहतर पाया गया है अगर सोशल स्टेटस या सामाजिक रूप से उसकी तुलना करना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 महाजनपद हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए 16 महाजनपद है, उसकी प्रॉपर सूची है यहाँ पे, कौन कौन सा महाजनपद, किसकी क्या राजधानी और प्रेजेंट में वो क्यों जाना जाता है, इस सब के बारे में एक एक करके हमें चर्चा करनी है। तो 1 by 1 इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि महाजनपद इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ ऑन द स्पॉट रहेंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से, सिर्फ उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। पहला महाजनपद अंग दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी चंपा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और आज के समय में प्रेजेंट में कहां पाया जाता है, ये मुंगेर और भागलपुर, मतलब बिहार की वो जगह है जहां पे ये महाजनपद पाया जाता है, ठीक है। इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये सबसे बड़ा व्यापार का स्थल हुआ करता था प्राचीन सभ्यताओं में अगर देखा जाए महाजनपद के काल में, ठीक है। अंग क्यों पॉपुलर है, अंग महाजनपद इसलिए पॉपुलर है क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के तौर पर इसको सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, इस वजह से इस महाजनपद की पॉपुलरिटी है। तो अगर हम लोग इसकी एक कोई विशेषता की बात करें तो वो क्या है, व्यापार और वाणिज्य। क्या कौन सा महाजनपद की बात कर रहे हैं, अंग की बात कर रहे हैं, राजधानी जिसकी क्या है, चंपा। आज के समय में कौन सी जगह पे है, मुंगेर या भागलपुर के इलाकों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। याद करते चलना एकदम तुरंत का तुरंत, 16 के 16 महाजनपद अगर ऐसे याद कर लोगे तो घर जाके रिवीजन में आसानी होगी। पहला महाजनपद अंग की बात कर रहे हैं, राजधानी क्या है, चंपा है, आज के समय में मुंगेर या भागलपुर, इसकी विशेषता क्या है, वाणिज्य या फिर व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। पहला महाजनपद खत्म, पहले महाजनपद के बाद में यहाँ पर दूसरा महाजनपद है मगध, ठीक है। मगध महाजनपद जिसको राजगृह या फिर आप कह सकते हो कि गिरिब्रज, गिरिब्रज भी इसकी राजधानी बताया जाता है, राजगृह भी राजधानी बताया जाता है, आज के समय में कहा है, पटना, ठीक है। कौन सी जगह पे पड़ता है, पटना के अंदर, गया या पटना आप कह लो, यहाँ पे आज के समय में दिखाई देता है ये, क्योंकि मगध महाजनपद की अगर मैं सीमा की बात करूं तो इसकी सीमा बहुत बड़ी है, ये कोई छोटा महाजनपद नहीं है। लेकिन हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से जहां इसका स्टार्ट हुआ होगा, जहां ये महाजनपद शुरू हुआ होगा, उस समय की बात यहां पे दिखाई गई है। तो दूसरा महाजनपद कौन सा, मगध, राजधानी की बात करें तो राजगृह या गिरिब्रज, और अगर हम लोग इसके आज के समय की बात करें तो गया या पटना। क्यों पॉपुलर है, पॉपुलर है मौर्य एम्पायर की वजह से, किसकी वजह से, मौर्य एम्पायर, सबसे जो बड़ा एम्पायर देखा गया मगध में वो यहाँ पे मौर्य एम्पायर देखा गया था, ठीक है। ये एम्पायर ऐसा था, मगध सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्रॉड एम्पायर इसलिए बन गया क्योंकि बोला जाता है ये 5 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। मतलब आप सोच लो, एक तरफ बीच में आपका मकान और चारों तरफ से किले बने हुए, तो आप सोचो कभी भी कोई दुश्मन भेद पाएगा आपको, नहीं भेद पाएगा, क्योंकि ये नेचुरल तौर पर 5 तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो कोई भी महाजनपद के लोग या कोई भी इनके एनिमी इनके ऊपर हमला कर ही नहीं पाते थे, और जब हमला नहीं कर पाते थे तो मगध को कमजोर करना मुश्किल था, है ना। इसलिए मगध इतना शक्तिशाली बनता चला गया। और दूसरी चीज, अगर आप इसको देखोगे तो बिहार से भी हटके थोड़ा उड़ीसा की तरफ आओगे, और उड़ीसा कैसा है, कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन मतलब महासागर या सागरीय तट के दौरान वो पूरा का पूरा पाया जाता है। ऐसी
जगहों पे व्यापार भी बहुत अच्छा होता है, तो ये व्यापारिक रूप से भी मजबूत है, आर्थिक रूप से, और अगर देखा जाए तो नेचुरल कॉजेस के तौर पर पहाड़ियों से घिरे हुए थे, इस वजह से मगध को क्या माना जाता है, एक मजबूत अंग माना जाता है। ठीक है, तो मगध इसलिए पॉपुलर है। ठीक, मगध बताओ दूसरा महाजनपद, मगध राजधानी कौन सी है, राजगृह या गिरिपुरी, आज के समय में गया या पटना, पहला कौन सा था राजधानी आज के समय में, वेरी गुड, क्यों पॉपुलर है, व्यापार और वाणिज्य, वेरी गुड, बताओ दूसरा वाला कौन सा है, मगध राजधानी, गिरिब्रिज है राजगृह, और कौन सी जगह पे आज, गया और पटना, क्यों पॉपुलर है, मौर्य एम्पायर की वजह से, दो टेरिटरी जो भी थी उससे। ठीक है, तीसरा देखो क्वेश्चन, ठीक, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, और आज के समय में आपको पता ही है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पॉपुलर क्यों होगा कौशल, क्यों पॉपुलर होगा, क्यों पॉपुलर होगा कौशल, बहुत क्लियर सी बात यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक तो ये बात है कि ये गोमती नदी इधर से बहती, गोमती नदी का संगम उंगम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो रिवर्स की वजह से पहली चीज ये पॉपुलर पाया जाता था। दूसरी चीज, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शासकों के नाम है जो इस एरिया के अंदर शासन किया करते थे, कौशल के अंदर जो शासन किया करते थे, जिनमें हिरण्यनाभ और महाकासल और प्रेसेंजन, जो ये प्रेसेंजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय के शासक माने जाते हैं। ठीक है, शुद्धोधन, शुद्धोधन का भी नाम आपने सुना होगा, और शुद्धोधन भी इस समय के पॉपुलर शासकों में से आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है। श्रावस्ती आपको पता है रिलीजियस प्लेस रहा, क्यों रहा है श्रावस्ती पॉपुलर, क्यों है गौतम बुद्ध के लिए क्यों पॉपुलर है, सर्वाधिक उपदेश यहीं पे तो दिए थे उन्होंने, तो इसलिए श्रावस्ती पॉपुलर है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो महाजनपदों की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय में गौतम बुद्ध भी जीवित है, इस समय में महावीर स्वामी भी जीवित है, ये उन्हीं के कंटेम्परेरी सारे महाजनपद चल रहे हैं, तो जब भी इतिहास पढ़ो तो कंटेम्परेरी चीजों को ध्यान में रखने पड़ा करो, है ना, कि अगर इतिहास में इधर कुछ चल रहा है तो बगल में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना, तो ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जैसे हम लोग आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, या फिर हम लोग विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, बहमनी एम्पायर पढ़ेंगे, उस दौरान हमें सब पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन राजा यहाँ पे है, कौन सा वंश इस समय राज कर रहा है, तो ऐसे ही आपको कंटेम्परेरी चीजें पता होनी जरूरी। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, तीसरा कौन सा पढ़ा, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती आज के समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों पॉपुलर है, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक कुछ, दो शासकों का नाम बताओ, शुद्धोधन प्रसेनजीत, ठीक है, ये नाम इनका होता है बेसिकली, ये दो इंपॉर्टेंट शासक इस समय में है, इनके नाम याद रखिएगा। और नदी कौन सी है यहाँ से बहती है, जो गोमती नदी या गोमती रिवर को यहाँ से बहा हुआ पाया गया, इस वजह से ये पॉपुलर। चलो बहुत बढ़िया, तीन याद हो गए आपको। काशी, चौथे पे आते हैं काशी, काशी तो बहुत अच्छे से बनारस भी याद रहेगा, वाराणसी भी याद रहेगा आपको, ठीक है, वाराणसी इसकी पहले राजधानी थी, आज के समय में ये बनारस के तौर पर जाना जाता है। काशी क्यों पॉपुलर है, अच्छा मैं अगर आपसे रिलीजियस बेसिस पे पूछूं तो काशी क्यों पॉपुलर माना जाता है, शिवजी के लिए पॉपुलर है बेसिकली, अगर देखा जाए तो हिंदू फिलोसफी शिवजी के लिए माना जाता है, शैविज्म का कॉन्सेप्ट वहां पे ज्यादा पॉपुलर है, और अगर और थोड़ा हट जाइए यहाँ से हिंदू रिलीजन से, बुद्धिज्म या जैनिज्म में कुछ पॉपुलरिटी काशी की, जैन धर्म, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काशी वो जगह है जहाँ 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के पिताजी यहाँ के राजा, ठीक है, काशी के राजा कौन है, पार्श्वनाथ के पिताजी यहाँ के राजा थे, इस वजह से काशी पॉपुलर था, और यहाँ पे जैनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से और पॉपुलर तरीके से फैला था, इसकी वजह से पार्श्वनाथ की वजह से, इस वजह से काशी को पॉपुलर माना जाता है। बाकी तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि गंगा, गोमती नदियां, ये सारी सारी नदियां यहाँ पे उस तरीके का एक संगम भी है, बनारस तो आपको संगम का स्थल जाना ही जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है। वृद्धद्रथ एक राजा है, ठीक है, वृद्धद्रथ राजा को माना जाता है, काशी से उनका संबंध बहुत पुराना है, तो वो इसके लेने देने वाले राजा, ठीक है, तो चौथा कौन सा हो गया, काशी, काशी याद रहेगा, ठीक, पहला वाला बताओ क्या था, अंग की राजधानी चंपा, कहाँ है आज के समय में, भागलपुर और मुंगेर, दूसरा कौन सा था, मगध, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज, और आज के समय में पटना या गया, ठीक है, तीसरा कौन सा था, कौशल,
कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आज के समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश। चौथा काशी, राजधानी पता है कौन सी है, वाराणसी, और आज के समय में ठीक है, याद है। चलो वेरी गुड। अगला बच्ची, ठीक है बच्ची, इसका जो राजधानी रही है वैशाली रही है, और वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है। ट्रेडिंग सेंटर की बात करूं तो व्यापार का एक बहुत बड़ा स्थल रहा है, और व्यापार के स्थल के तौर पर हर कोई वैशाली के ऊपर अपना शासन करना चाहता था। चाहे आप हरियंत वंश देखेंगे, चाहे शिशुनाग वंश देखेंगे, चाहे नंद वंश देखेंगे, चाहे मौर्य एम्पायर देखेंगे, कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो वैशाली को अपना सेंटर ना बनाना चाहता हो। ठीक है, तो वैशाली उस समय में ऐसे ही समझ लो जैसे आज की राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में हर कोई अपना प्रभाव जमाना चाहता है, वैसे ही वैशाली को हर कोई बनाना चाहता था। वैशाली कहाँ पड़ता था, बिहार। देखिये उत्तर प्रदेश और बिहार का इतिहास बहुत है, प्राचीन इतिहास को पूरा भरा पड़ा है, खास करके बिहार से। ठीक है, तो बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास से अटैच्ड है और आते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें जिसमें एक वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैशाली ये इंपॉर्टेंट इसलिए था, पहली चीज तो मैंने ये बताया आपको बच्ची, गणतंत्र है। ठीक है, बाकी सब राजशाही के पार्ट होते थे, ये क्या बन गया था, एक गणतंत्र बना था। मतलब यहाँ पे राजाओं का एक समूह होता था, एक राजा नहीं होता था, राजाओं का एक समूह होता था और एक समूह मिलकर शासन किया करता था। ठीक है, तो इस वजह से बच्ची पॉपुलर पाया गया। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली और चीज इंपॉर्टेंट है वो है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवियों का शासन पाया जाता है यहाँ पे। लिच्छवी कुछ याद आ रहे हैं आपको महाभारत के कॉन्सेप्ट से, कहीं ना कहीं कुछ कहीं सुना होगा महाभारत में आपने इनके बारे में सुना है। कौरव पांडवास के दौरान जब लिच्छवियों का राज चल रहा था वो सब, ये भी ध्यान रखिएगा, रिलीजियस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसी जगहों की है, क्योंकि इसी समय में महाभारत के बारे में भी चर्चाएं हैं, इसी समय में कौरवों पांडवों के बारे में भी चर्चाएं देखने को मिली गई हैं, तो वो सारी चर्चाएं भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, उसके बारे में भी अभी हम लोग जहां जहां जरूरत होगी बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्ची जो है ये आपको इंपॉर्टेंट गणतंत्र के रूप में जाना चाहता है, हमें इसको गणतंत्र के रूप में याद रखना है, और लिच्छवियों के द्वारा इसको शासित किया जाता था, लिच्छवी यहाँ पे शासन करते थे, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्ची इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बिहार की एक जगह इंपॉर्टेंट जहां बौद्ध और जैन टेक्स्ट दोनों ही पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिच्छवियों द्वारा शासित किया जाता था और गणतंत्र का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे आज के समय में अगर आप रिपब्लिक या कुछ भी ऐसा टॉपिक लिख रहे हो, या गणतंत्र के बारे में अगर कुछ लिख रहे हो, पॉलिटी में भी अगर लिख रहे हो, तो अगर वहां पे आप थोड़ा सा सोचो, अगर वहां पे एक तड़का लगा दो इस बात का कि बच्ची एक पुराना सबसे एक शासित प्रदेश था जहां गणतंत्र देखा गया भारत के अंदर, तो ये कितना अच्छा हो जाएगा, वहां पे एक अच्छा फैक्ट वहां पे आप ऐड कर सकते हो अपनी राइटिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मल। ठीक है, मल कुशीनारा। ठीक, कुशीनारा याद आ रहा है कुछ, क्या याद आ रहा है, कुशीनगर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म बुद्धिज्म के लिए तो पॉपुलर है, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना यहाँ हुई है। हाँ, किसकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ पे हुई है, तो कुशीनारा या फिर मल का जो ये समय महाजनपद है वो इसलिए पॉपुलर है। आज के समय में आप देख रहे हो देवरिया या उत्तर प्रदेश का इलाका है जो यहाँ पे इसलिए जाना जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक गणसंघ था। ठीक है, ये भी क्या है, बज्जी की तरह ही ये क्या है, गणसंघ है, इसलिए ये भी पॉपुलर जाना जाता है। तो मल की राजधानी कुशीनारा आज के समय में देवरिया उत्तर प्रदेश का इलाका है। ठीक है, क्यों पॉपुलर है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है यहाँ पे और एक गणसंघ है इसलिए ये पॉपुलर जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में चेदी वंश या महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी सोनीपत, और ये आज के समय का बुंदेलखंड का इलाका है। कौन सा इलाका, बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड का इलाका कौन सा कहलाता है, कौन सा इलाका है बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश के जो आसपास का गढ़ है प्रॉपर तरीके से, वो पूरी बेल्ट जो कहलाती है वही बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है। बुंदेलखंड में बिहार की टेरिटरी है, थोड़ी अलग है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश का जो इलाका पॉपुलर है उसको बुंदेलखंड के पार्ट में काउंट करो। ठीक है, आज के समय में तो राजधानियां इतनी विस्तारित हो गई हैं, मतलब कह सकते हो राज्य इतने विस्तारित हो गए कि ये बुंदेलखंड रोहिलखंड सब एक पार्ट बन के रह गए। पहले सब एक बहुत बड़ा रीजन होता था। ठीक है, जैसे रोहिलखंड भी पूरा का पूरा यूपी काउंट करते थे जब हम रोहिलखंड बोलते थे, बुंदेलखंड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार तक पूरा काउंट किया करते थे, लेकिन अब ये टेरिटरी सिकुड़ गई है थोड़ा उस वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली ये याद रखना है
कि ये जो महाजनपद है यहाँ पे बेसिकली मालवा का पठार वगैरह जो है अगर ज्योग्राफिकल बेसिस पे देखोगे तो वो दिखाई देता है यहाँ पे। और ये राजशाही राजवंशी है, अगर हम दो राजवंश को छोड़ दें तो लगभग सारे राजवंश कैसे राजशाही राजवंश के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी चीज ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है, मतलब व्यापार का भी एक बड़ा स्थल चेदी राजवंश जाना जाता है। ठीक है, तो व्यापार का के तौर पर भी इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक, कुरु, ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जिसकी राजधानी है मेरठ का इलाका है प्रॉपर तरीके से। और कुरु इंद्रप्रस्थ ये सब कहानियां आप रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेस है, वो कौन सा है कोई बताएगा? इंद्रप्रस्थ के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस कुरु में पाया जाता है, उसका कोई नाम बताएगा? हस्तिनापुर, वेरी गुड, हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हस्तिनापुर। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय सरकार ने हस्तिनापुर को एक इंपॉर्टेंट रीजन घोषित किया है, भारत की सांस्कृतिक मूल्य का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस में उसे रखा है। क्यों? क्योंकि 16 महाजनपद के हिस्सों में से एक हिस्सा वो भी पाया जाता है। तो इंद्रप्रस्थ की जगह कभी अगर आपको हस्तिनापुर भी दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, कुरु की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो राजा भोज और कहाँ का भोज है कहानी सुनी है ना सबने, है ना वो वाला, तो जो भोज वाला प्रॉपर कहानी है ना, वो राजा भोज वाला इलाका है ये। ठीक है, जिसको कुरु बोला जाता है, पांचालों का भी इलाका कहलाता था क्योंकि पांचाल वंश के भी लोग यहाँ पे आया करते थे, पांचाल के इलाके से भी निकल के, प्लस पांडवास वगैरह भी यहाँ पे निवास किया करते थे। ठीक है, पौरव पांडवों की लड़ाई पड़ी है महाभारत वाली, तो पांडवास का निवास स्थल भी क्या कहलाता था, यही एरिया कहलाया करता था। ठीक है, तो देखिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है ही है, साथ साथ में इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, दोनों तरीके की चीज यहाँ से प्रमाणित होती है। ठीक, इसके बाद में पांचाली है अगला। पांचाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। ठीक है, दो तरीके से पांचाल बटा था, उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र को बताया गया और दक्षिण पांचाल की कांपले को बताया गया। ठीक है, तो अहिच्छत्र और कांपले की राजधानी है, यहाँ पांचाल राजवंश की राजधानी है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में यहाँ इनका नाम दिया गया है बहुत अच्छे से। भागीरथी नदी जो है यहाँ पे दिखाई देती है, भागीरथी नदी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे पांचाली एक महारानी के तौर पर पाई गई है, उन्हें पांचाली महारानी के तौर पर जाना गया। उनका ओरिजिनल नाम बताएगा कोई? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी पांडवों की जो वाइफ है, उनको यहाँ पे यही की महारानी थी जो पांचाल से, जिनको तभी यहाँ पे भी आप देखोगे कि कुरु में भी क्या पाया जा रहा है, पांचाल वंश का कहीं ना कहीं प्रमाण पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो द्रौपदी है उन्हीं को पांचाली भी बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि वो पांचाल की रहने वाली थी। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है राजवंश, इसको याद रखिएगा। और पांचाल राजवंश एक इंपॉर्टेंट और एक लौता ऐसा राजवंश है जो शुरुआत में तो राजशाही था लेकिन धीरे 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 लास्ट में आते आते गणतंत्र बन गया। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा राजवंश। ठीक, तो महाजनपदों में एक महाजनपद अगर आपसे पूछा जाए जो दोनों रहा है, राजशाही भी रहा है और गणतंत्र भी बन गया, वो है पांचाल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे तो हम लोग अगर बात करें तो गणतंत्र में वज्जी और मल दो ही है लेकिन अगर तीसरा भी नाम आपसे कभी पूछ ले तो वो पांचाल आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो पांचाल इसलिए इंपॉर्टेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में वस्त्र है। ठीक है, और वस्त्र कौशाम्बी इलाहाबाद का इलाका है, कौरवों की एक शाखा के तौर पर भी जाना जाता था, मतलब कौरवों की एक ब्रांच थी, यहाँ पे कौरव बसा करते थे, निवास किया करते थे, तो वस्त्र का इलाका बेसिकली उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से अगर आप बात करो तो वस्त्र को अगर पॉलिटिकल बेसिस पे या इकोनॉमिक बेसिस पे देखिए, ये व्यापारिक स्थल है जिसको लेके युद्ध छिड़ा हुआ है और वो युद्ध का एक कारण रिलीजियस तो आपने पढ़ा है महाभारत में कि पांडवों कौरवों में क्यों वॉर हुआ, लेकिन एक इकोनॉमिक कारण वहां का क्या है, व्यापारिक केंद्र भी है जो वस्त्र कहलाता है, इस वजह से भी आर्थिक बेसिस पे भी वहां पे युद्ध छिड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो वस्त्र है उसकी राजधानी कौशाम्बी याद कर लेंगे और आज के समय में ये सब कहां पे इलाहाबाद के अंदर दिखा जाता है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर और ये आज के समय में कहां का इलाका है, जयपुर या राजस्थान का इलाका। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इलाका है इस इलाके के अंदर अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा महाजनपद पाया गया
जिस महाजनपद को राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हर प्रकार से मान्यता प्राप्त है। ये वही राजवंश है, मत्स्य राजवंश, जहां विराटनगर को राजधानी के तौर पर आगे चल के राजपूतों ने यूज किया। ठीक है, आगे चल के अब अभी आप लोग जो राजपूतों का विकास देखोगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे राजपूतों का विकास राजपूत पूरे राजस्थान के अंदर फैलते हुए जो आपको दिखाई देंगे, उन्होंने अपना मेन सेंटर विराटनगर से ही शुरू किया था और राजपूत इतने ज्यादा पावरफुल वहीं से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनका एक आगे का एक इतिहास है, वो आगे का इतिहास देखेंगे। फिलहाल इनकी राजधानी याद कर लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं, मत्स्य, और मत्स्य कहाँ पे, विराटनगर इसकी राजधानी है और राजस्थान या जयपुर के अंदर ये पाया जाता है। कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अगली है शूरसेन। ठीक है, शूरसेन मथुरा, ठीक है, मथुरा का इलाका है शूरसेन जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक, यमुना नदी यहाँ के आसपास की। ठीक, और बेसिकली यहाँ पे देखिए गणतंत्र और जो राजसंघ है उसकी भी वर्णन किया गया है, गणतंत्र के तौर पर भी जाना गया है और राजसंघ के तौर पर भी जाना गया, मतलब आपको राजशाही के तौर पर भी यहाँ पे कुछ निर्माण दिखेंगे, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट जो सेंटर माना गया था वो राजशाही ही माना गया। ठीक है, यहाँ आपको गणतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी शूरसेन की बात करूं तो इसको क्या माना जाता था, एक राजशाही का इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था, कहीं कहीं गणतंत्र देखने को मिलता है। तो अगर कंफ्यूजन के तौर पर इसको मत देखिएगा, इसको राजशाही मानते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो राजशाही का एक इम्पोर्टेंट इलाका है मथुरा का इलाका, और मथुरा का इलाका आप लोग जानते हो कि ये इलाका पॉपुलर क्यों था, अगर मैं रिलीजियस बेसिस पे पूछूं आपसे क्यों पॉपुलर माना जाता है शूरसेन, यहाँ के राजा कौन थे, नहीं वो भी सही बोल रहा है, एक समय में रहे एक समय में रहे, कोई कोई बहुत नहीं, मैंने बोला ना गणतंत्र की भी कुछ पार्ट यहाँ देखे गए, लेकिन राजशाही इसको बोलेंगे हम लोग, ओवरऑल राजशाही बोला जाएगा। भगवान कृष्ण कहाँ के राजा रहे हैं, कौन से इलाके, अगर इन 16 महाजनपदों में से कोई महाजनपद उठाएंगे आप तो कहाँ के राजा कहलाएंगे, अभी तक और कहीं तो नहीं दिखा ऐसा कहीं कि जो भगवान कृष्ण है वो कहीं के राजा। तो महाभारत के अंदर या फिर अगर आप रिलीजियस देखोगे तो भगवान कृष्ण को यहाँ का राजा बताया गया, वो किंग है यहाँ के। ठीक है, और उन्हीं की जो इलाका है महाजनपद उसको शूरसेन बोला जा रहा है या शूरसेन बोला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मथुरा का इलाका, मथुरा से तो आप लोग जानते ही हो ना, वो पॉपुलर है इसी वजह से, शुरू से ये महाजनपद की जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, 16 महाजनपद की, ये वही दौर है भारत वाला जब हम लोग इसकी शुरुआत मानते हैं इस दौरान में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होता है पूरा का पूरा। तो जो वो कहानियां लिखी गई है ना महाभारत की प्रॉपर तरीके से, वो इस समय में देखने को मिलती है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं शूरसेन की बात कर रहा हूँ या मथुरा की बात कर रहा हूँ और मैंने बोला भगवान कृष्ण यहाँ के राजा है, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान कृष्ण 100-200 सालों तक राजा ही है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, राजा तो बदलते रहेंगे ना समय समय पे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ के राजा रह चुके हैं कौन, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ये रिलीजियस किताबों की बातें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पॉलिटिकल और रिलीजियस और सामाजिक तौर पर हर तरीके से बताना जरूरी है, तभी तो आपको याद रहेगा कि भाई हम शूरसेन क्यों याद रखें, इसलिए याद रखते हैं मथुरा है वहां पे वो इलाका है कृष्ण का इलाका है और इसलिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखा जाता है। ठीक, अस्मक या फिर असक भी बोला जाता है इसको, जिसकी राजधानी पैठन बोली जाती है। ठीक है, और आज के समय में अगर आप देखोगे तो गोदावरी नदी का किनारा। ठीक है, मैं कहां पे है? एकमात्र स्थल जो दक्षिण भारत में, अभी हमने बात की थी मैप के अंदर दिखाया था आपको, एकमात्र स्थल जो दक्षिण भारत के अंदर पाया जाता है वो ये इलाका है। ठीक है, अस्मक एक ऐसा अभागा इलाका है जिस इलाके को कोई कैप्चर ही नहीं करना चाहता। ठीक है, 16 के 16 महाजनपद, और 16 के 16 महाजनपद में से अस्मक एक अकेला है जिसको कोई भी कैप्चर करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस समय, तो बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट थे, या बहुत अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था तो फिर गंधार या कौशल वो इंपॉर्टेंट हो गए थे, वो जगह इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ज्यादा हो गए थे, लेकिन ये अभागा ऐसा इलाका है जिसको कोई कैप्चर नहीं करना चाहता था। ठीक, इसके बाद देखिए अवंती। ठीक है, अवंती हम लोग जानते हैं, ये वो इलाका है महिष्मती और उज्जैन वाला इलाका, अवंती को आप लोग जानते हो, देखिए बाहुबली, ठीक है, सबने देखी होगी, पहली नहीं देखी तो दूसरी देखी होगी।
ठीक है, और दोनों नहीं देखे होंगे तो उसके टीजर टीजर तो देखे ही होंगे, कुछ ना कुछ है, पता तो होगा बाहुबली है ना। तो कोई एक पिक्चर बाहुबली है जिसकी स्टोरी कहाँ से, अवंती से ली गई है, और ये पूरी का पूरा जो महिष्मती का इलाका वो उसमें दिखाया गया, वो समय राजधानी रहा करती थी, ठीक है। महिष्मती और उज्जैन उस समय राजधानी है, मालवा या मध्य प्रदेश का इलाका है जहां पे ये प्रॉपर तरीके से आज के समय में देखा जा सकता है, ठीक है। तो बात हो रही है अवंती की, और जो राजधानी थी इसकी महिष्मती या उज्जैन थी, मालवा उत्तर प्रदेश के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। प्रसेनजीत यहाँ के प्रसिद्ध शासकों में से एक काउंट होते हैं, बस उनको याद रखिए, बाकी इसके अंदर कोई खास बात याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग अवंती की बात जब करेंगे तो वो वहां करेंगे जब मगध राज्यों के साथ में इसका संबंध दिखाया जाएगा, कैसे बिंबिसार ने अवंती के साथ में रिलेशन स्थापित किए थे, वो सबको वहां पे बताया जाएगा जब पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो अवंती, अवंती के बाद देखिए गंधार, गंधार बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधार क्योंकि आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी के तौर पर जानते हैं, ठीक है, और तक्षशिला उस समय इसकी राजधानी रहती थी, आज के समय में पाकिस्तान में, ठीक है, रावलपिंडी इलाका है, पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्राचीन शिक्षा का स्थल है, इस वजह से इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर गंधार की बात करें तो गंधार ये वो इलाका है जहाँ पे मामा शकुनी, सुना तुम लोग, है ना, वही राजा है यहाँ पे, ठीक है, मामा शकुनी ने किसी समय में यहाँ पे राज किया है, ये वो वाला इलाका है। इसको ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इसलिए बहुत अच्छा जाना गया क्योंकि ये एक क्या था, दो देशों के बीच का कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम करता था, इधर अफगानिस्तान की टेरिटरी पूरी की पूरी है और इधर भारत की पूरी टेरिटरी है, तो दोनों के बीच में व्यापार का केंद्र स्थापित करता था, मतलब जितने भी पश्चिमी देशों के साथ में हमने व्यापार करें उसके व्यापारिक स्थल के तौर पर गंधार जाना जाता था। आपको अभी आगे ये भी हम बताएंगे कि सिकंदर ने भारत में घुसने की कोशिश करी थी, और सिकंदर जब भारत में घुसने की कोशिश किया था तो वो इसी जगह पे आया था, तक्षशिला या गंधार के इलाकों के अंदर से ही एंटर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो एक प्राचीन इतिहास, बढ़िया इतिहास रहा इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसलिए जाना जाता है। बाकी महाभारत की कहानी तो आप लोग गंधार की जानते ही हो, कौरवों से रिलेटेड है, ठीक। कंबोज, कंबोज की राजधानी पुंछ, ठीक है, और ये जो आज के समय में कश्मीर या पंजाब का जो इलाका आप लोग देखते हो, ये कश्मीर या पंजाब का इलाका जाना जाता है, ठीक है, जिसको राजौरी या हजराओं के तौर पर आज के समय में देखा जाता है, ये वो जगह प्रेजेंट टाइम में है वहां पे, ठीक है। तो कंबोज राजधानी क्या है, पुंछ है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ के जो भी लोग थे वो सारे के सारे लोग धार्मिक स्थलों की पूजा करने के लिए ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना करते थे, और ब्राह्मणवाद अगर भारत के अंदर कहीं से स्टार्ट हुआ या ज्यादा फैला तो उसकी एक इंपॉर्टेंट जगह कौन सी कहलाती थी, कंबोज कहलाती थी, कंबोज की राजधानी पुंछ, ठीक है। लिखोगे ये 16 महाजनपद या याद होगा, यार तो नहीं हुए होंगे, इतने तो महान नहीं है हम लोग, है ना, कि 16 के 16 याद होगा। अगर नहीं लिखे तो जल्दी जल्दी से लिख लो, सिर्फ और सिर्फ नाम लिख लो, और नाम लिख के उसकी राजधानी लिख लो, और होमवर्क ये है कि प्रेजेंट टाइम में किसको क्या तौर पे जाना जाता है वो उधर से लिख के लाना, बस महाजनपद लिखो उसकी राजधानी लिखो, ठीक है। जैसे अंग लिखो, अंग की राजधानी चंपा, हाँ एकमात्र शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि भारत में व्यापार के लिए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, है ना, व्यापारिक स्थलों के तौर पर अगर देखा जाए पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले लोहा मिला, है ना। तो एक कारण तो ये हो गया कि जहाँ पे लोहा का भंडारी है, जहाँ लोहा मिल रहा है तो सबसे ज्यादा लोग कलेक्ट कहाँ होंगे, वहीं होंगे व्यापार के लिए, है ना। तो व्यापार के लिए लोग सबसे ज्यादा कलेक्ट होना अतरंजी खेड़ा की जगह उत्तर प्रदेश है, उसके आसपास के इलाके में खड़े होना, इकट्ठे होना शुरू हो गए। उसी से बढ़ते हुए लोगों ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, भैया अब यूपी बिहार में कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, सब आस पास ही तो बसेंगे तो सारे के सारे लोग। तो इन्होंने क्या करा, उत्तर प्रदेश से बिहार शिफ्ट होना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो जो लोहा था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था कहाँ, बिहार की तरफ, एक आयरन हो गया, ठीक है। दूसरा कारण मैंने शुरुआत में बताया एग्रीकल्चर, अगर आप पूरे भारत में एग्रीकल्चर के तौर पर अगर जमीन देखोगे सबसे उपजाऊ तो पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार ही मिलेगा, है ना। तो ये वो जगह है जहाँ सबसे उपजाऊ जमीनें पाई जाती हैं, तो लोग जहाँ कृषि सबसे ज्यादा होगी वहीं तो रहेंगे, तो यूपी और बिहार ऐसी जगह होंगी
जहां पे कृषि के स्थल सबसे ज्यादा देखे गए, सबसे ज्यादा तौर पर कृषि पाई जाती थी, इसलिए लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। तो इसलिए ये स्थल बने जहाँ महाजनपद ज्यादा पाए। हाँ, व्यापार का भी एक मांग कह सकते हो, वो भी हो सकता है। हो गया नोट? मगध, राजगृह, गिरिब्रज, कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, वज्जी, वैशाली, मल, कुशीनारा, चेदी, सोथीवती, हाँ, ये जो बेसिकली है उत्तर और दक्षिण के पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण, ये हो गया नोट। बस राजधानी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट और उसकी राजधानी, सिर्फ इतना ही करना। ठीक है, महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र और कांपिल्य। ठीक है, यही है अहिच्छत्र और कांपिल्य। नॉर्थ में जो है अहिच्छत्र, साउथ की कांपिल्य राजधानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि ये वो इलाका रहा होगा जो मुरादाबाद, मुरादाबाद तक रुक गया होगा। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ा होगा, वही रुक गया। हाँ, बेसिकली मुरादाबाद बरेली के आसपास का इलाका रहा होगा, तो ये वहां पे रहा होगा। दोनों का है, दोनों का स्थल बढ़िया। नहीं नहीं अच्छा, ऐसी जगह घूमा करो और ऐसी जगहों के ब्लॉग बनाया करो। ब्लॉग बनाना वैसे मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उन हिस्टोरिकल चीजों का बनाया करो। हाँ, लिखी बात फरुखाबाद से हो तुम, था ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे पीलीभीत के लोग रहते हुए पीलीभीत में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी चूका बीच नहीं गए होंगे। वाई फर्गेशन चूका बीच इतनी इम्पोर्टेंट जगह बन गई है आज के समय में, जब से टाइगर रिजर्व बना तब से इम्पोर्टेंट होंगे। आगे नोट करो। हाँ, हो गया, ये नीचे वाले भी कर लिए। हाँ करो करो, आज लंच ही पहली बार सबसे पहले कर लिया। ये मैं भेज भी दूंगा पीडीएफ के तौर पर, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिल चुकी होगी है ना कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी हो रहे हैं अब, है ना, ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं। और कोशिश उसमें ये करेंगे कि आप लोग का पुराना जितना रिवीजन है उसको भी कवर करते चलें, आपके डाउट सेशंस की बात कवर कर सकें और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको करा दें। ठीक है, क्योंकि मैं तो रोज बोल रहा हूँ तुम लोग एमसीक्यू कर लो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और तुम लोग खुद तो कर ही रहे होंगे, पता है वो भी मुझे। ठीक है, तो हम लोग ने एक नया रास्ता निकाला है, वो रास्ता ये है कि खुद करा दें तुम लोग को एमसीक्यू। क्लास में तो इम्पॉसिबल है कराना, तो इसका एक माध्यम ये निकाला गया कि उसको आधे घंटे के लिए कहीं ना कहीं आपको उससे परिचित करा दिया जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो आधे घंटे में कोशिश करिएगा जितने लोग उससे जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सब जुड़ो। एक दिन में एक ही क्लास इसलिए रखा गया जिससे बहुत हेक्टिक ना हो आप लोग के लिए भी।
सिर्फ एक क्लास होगा, शाम के समय में 8 या 9 बजे का क्लास हुआ करेगा, जिसमें सभी लोग फ्री रहते हो, है ना। कोई ऐसा कोई मजदूरी तो कर नहीं रहा है ना, जो 8 या 9 बजे रात में भी फ्री ना हो पाए। तो 8-9 बजे आप लोग फ्री हो जाते होंगे, और जो भी होगा आधा घंटा या पौन घंटे का मुश्किल से क्लास होगा। तो उसमें भी जो अटेंडेंस होगी काउंट होगी, और वो अटेंडेंस वही बच्चे क्लास में मैं अलाउ करूंगा जो मुझे ऑनलाइन देखे, ठीक है। अगर ऑनलाइन अगर आप लोग वहां पे उपस्थित नहीं हो तो वो आप, हाँ किसी के कुछ अगर समस्या है वो अलग से डिस्कस कर लेना, उससे अलग से डिस्कस कर लेना, ठीक है। वो बाद में बात कर लेना कि ये सर मेरी समस्या पर्टिकुलर, मैं इस समय उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम आपकी कुछ बात को सुन के उसका कुछ निवारण निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको इस समय भी समस्या है जो हम आपको फ्री में अलग से देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप इस एग्जाम को भूल जाओ, ठीक है, सच में भूल जाओ। फिर देखिए बहाने बहुत सारे होंगे आपके पास में, मजबूरियां भी हो सकती हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मजबूरियां शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका एग्जाम जो है अगले 1-2 साल में सिलेक्शन शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर इसको अगले 2-3 साल तुमने सोचा, 2 साल बाद निकालेंगे, 3 साल बाद निकालेंगे, तो फिर सोचते रहो, फिर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, सच में नहीं निकलेगा। हाँ बेटा कौन सी क्लास में, हाँ एसएससी जीटी वाले में, यहाँ यूपीएससी हो रहा है, एसएससी जीटी बगल में, क्यों बेटा यहाँ इच्छा तो इच्छत्र चलेगा उसको, ऊपर से बोल जाएगा क्या करेगी बेटा, अगले दिन जाके कहेगी पता नहीं कौन मास्टर था क्या पढ़ा दिया, तो क्यों पढ़ाऊ मैं ऐसी चीजों से, ठीक है। तो ये देखिए 16 महाजनपद, और ये 16 महाजनपदों के ये सारे के सारे पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से अब समझ गए। अब सीधे आते हैं फिर से कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये सब कृषि विषय बता दी मैंने, और जनपद महाजनपद में डिफरेंस भी आपको पता ही चल गया, छोटे राज्य जनपद, महाजनपद की कुछ विशेषताएं बस देख लीजिए। अगर हम जनपद के अलावा किसी भी चीज को महाजनपद कहने लगे, तो महाजनपद कहने के पीछे का कारण ये था क्योंकि वहां पे एक राजा होता था, वहां एक मंत्री होता था, और एक देश होता था जिसपे ये लोग राजा राज करते थे। देश मतलब एक महाजनपद होता था, ठीक। दुर्ग वाले शहर होते थे, शहरों को चारों तरफ से दुर्ग से ढका जाता था, दुर्ग मतलब किले बनाए जाते थे जिन किलों को कोई भेद ना पाए, अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे दुर्ग वाले शहर होते थे, खजाना, खजाने के लिए एक बड़ा सा, आप देख सकते हो कि सारे राजाओं के पास में खजाने के लिए विभाग होता था, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट बोला जाता था, उनका खजाना वहां रहता था, उनकी एक पर्टिकुलर सेना होती थी, जो सेना उनके राज्य का संरक्षण तो करती करती थी, दूसरे राज्यों पे अटैक करने के लिए भी तैयार रहती थी, और एक सेना के साथ में उनके मित्र राष्ट्र भी हुआ करते थे, मित्र भी हुआ करते थे, जैसे चंपा, या फिर अंग की जब हम लोग बात करें तो अंग के मित्र के फॉर्म में अवंती को देखा गया, अवंती के मित्र के तौर पर मगध को देखा गया, तो ये सब एक दूसरे के मित्र के तौर पर भी देखे जाते थे। तो हमेशा महाजनपद वो होता है जहां पे ये 7 विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी है जिसमें ये विशेषता नहीं पाई गई, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका मान लो कोई जनपद रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उससे पहले कोई छोटी यूनिट होगी तो वो कबीले का पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो ये सब रहा होगा, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो विशेषता के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मगध राज्य का उदय कैसे हुआ। मगध राज्य तो आपने पढ़ लिया कि 16 महाजनपद आपने पढ़ लिया, सबकी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, उन सब में हमें सिर्फ एक महाजनपद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और वो कौन सा है, मगध। मगध की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें एनालाइज करनी है, और उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मगध एम्पायर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो मगध एम्पायर के बारे में पढ़ते समय हमें हर्यंक वंश पढ़ना है, हमें शिशुनाग वंश पढ़ना है, हमें नंद वंश पढ़ना है, फिर मौर्य वंश भी पढ़ना है, इसी में सातवाहन वंश भी पढ़ना है। तो ये सारे के सारे राजवंशों का रिलेशन कहां से है, मगध एम्पायर से ही हुआ। इनकी शुरुआत भी मगध से हुई और अंत भी कहां हो गया, मगध में हो गया, ठीक है। इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मगध एम्पायर के सारे साम्राज्य या एम्पायर्स को अगर आप लोग याद नहीं रख पाते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छी एक शॉर्ट ट्रेन बताई गई थी जिसको हसीन मशोक शाह के नाम से जाना जाता है। अगर आप वो याद कर लोगे तो उससे क्या होगा, सारे राजवंश आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 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 एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको बोला गया है हसीन मशूफ शाह, ऐसे करके एक ट्रिक बनाई गई थी जिससे आप लोग मगध एम्पायर के सारे राजवंशों के बारे में याद कर सकते हो, जिसमें हा का मतलब जो था वो क्या था, हर्यंग वंश,
ये था सा का मतलब शिशु नाग वंश, ना का मतलब था नंद वंश, यहाँ जो मा आ रहा है इसका मतलब मौर्य वंश है, शाह जो आ रहा है शु जिसको शुंग वंश बोला जाता है, और का मतलब ये कुषाण है या कर्ण है, है कुषाण वंश है, दोनों में ध्यान रखना कर्ण नहीं है यहाँ पे, कुषाण वंश है, और ये सा का मतलब सातवाहन वंश से इसकी बात हो रही है। तो ये मगध एम्पायर के सारे राजवंश आप इस तरीके से शॉर्ट लिंक से याद कर सकते हैं। तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रहेगी, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर ये क्रोनोलॉजी आ जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा राजवंश था फिर कौन सा राजवंश आया, तो इस वजह से ये शॉर्टकट के तौर पर अगर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले हरियंग वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, और लास्ट में सातवाहन वंश। ये वंशों का कला जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसे है। ठीक, अब देखिए ये जितने राजवंश है सबके बारे में इनकी पॉलिटिकल लाइफ पढ़नी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर एंशियंट इतिहास में पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हो रही है तो वो यहीं से मानी जाती है, यहीं से हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो पॉलिटिकल हिस्ट्री जिस पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में रिटन एविडेंसेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में रिटन एविडेंसेस है, वरना इस हरियंग वंश से पहले एक और वंश है जिसको बृहद्रथ वंश भी बोला जाता है, लेकिन बृहद्रथ वंश के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई रिटन प्रमाण नहीं, ठीक है, कोई लिखित प्रमाण उसका नहीं मिला, सिर्फ माना गया है बृहद्रथ एक राजा थे जो हरियंग वंश से पहले राज करते थे और उन राजा के बाद में एक वंश चलाया जिसको हरियंग वंश बोला जाता है, लेकिन लिखित तौर पर अगर कहीं वंशों का आपको प्रमाण मिलेगा तो वो हरियंग राजवंश से ही मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया कि मगध में सबसे पहले जो राजवंश आया उसका नाम था हरियंग राजवंश, ठीक है, हरियंग राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार वो व्यक्ति जिसने हरियंग राजवंश की स्थापना की थी, और ये राजवंश 560 से 413 बीसी तक रहा, कब से कब तक, 560 से 413 तक रहा। पहले राजा बिंबिसार, दूसरे राजा अजातशत्रु, तीसरे राजा जो उदयन है, और लास्ट में इसके जो शासक रहे थे उनका नाम था नागदशक, ठीक है, क्या नाम था, नागदशक। नागदशक वो शासक है जिन्होंने अपना मंत्री शिशुनाग को चुन लिया था और शिशुनाग ने इनकी हत्या करके अगला राजवंश यहाँ पे शिशुनाग राजवंश शुरू कर दिया। शिशुनाग राजवंश में दो इंपॉर्टेंट राजा शिशुनाग और कालाशोक रहे। कालाशोक के यहाँ बाद में एक और राजा आए थे जिनका नाम था नंदी वर्मन, क्या नाम था, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन ने अपना सेनापति महापदम नंद को चुना था, तो उन्होंने क्या करा, महापदम नंद ने नंदी वर्मन की हत्या करके कौन सी शुरू कर दी, नंद डायनेस्टी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये नंद डायनेस्टी शुरू हुई और यहाँ धनानंद बने। धनानंद को यहाँ पे अंतिम नंद डायनेस्टी का शासक माना जाता है, जिनको यहाँ पे आके किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त ने मौर्य ने इन्हें हरा के यहाँ पे अब कौन सी शुरुआत कर दी, मौर्य राजवंश की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली बात हम लोग अब करने जा रहे हैं यहाँ पे हरियंग राजवंश की, जिसकी स्थापना 560 ईसा पूर्व में हुई और कब तक चला, 413 ईसा पूर्व तक ये राजवंश चला। एक एक राजा को छोटा छोटा पढ़ते चलेंगे, उसके बारे में पता करते चलेंगे कि कौन सा राजा क्यों इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम जो हम लोग उठा रहे हैं वो है बिंबिसार, 544 से 492 ईसा पूर्व। ये हरियंग वंश के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने हरियंग वंश की शुरुआत करी, बिंबिसार। बिंबिसार जाने जाते हैं मगध एम्पायर को इन्वेंट करने के लिए। इन्वेंट करना इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इन्होंने मगध एम्पायर को एक शक्तिशाली एम्पायर बनाने के रूप में सबसे पहला कदम उठाया था, ठीक है, तो इन्वेंशन ही होगा वो एक तरीके से। तो इन्होंने मगध एम्पायर को इन्वेंट किया, और इन्वेंट करने का इनका जो तरीका था वो बहुत अलग है। वो अलग ये है कि अगर आप सोचो कि अगर आपको कोई एम्पायर मिल जाए उसको अगर आपको मजबूत करना है, तो मजबूत करने के लिए आप क्या क्या आपके दिमाग में चीजें आ सकती हैं, आप क्या क्या चीज कर सकते हो एम्पायर के तौर पर। अगर हम सोचें साम्राज्य के तौर पर सोचें तो पहली तो चीज हमारे नेबर्स होते हैं ना, पड़ोसी। हम अपने पड़ोसियों के ऊपर नजर रखते हैं, वो पड़ोसी जो आसपास के इलाकों के या आसपास के एरिया के हमारे दुश्मन बन सकते हैं या हमारे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो दुश्मन बने तो साम्राज्य को मजबूत करना मुश्किल है ना। लेकिन अगर हमने उन्हें अपना दोस्त बना लिया तो हम अपने साम्राज्य को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया था महाजनपद की एक विशेषता मित्र है ना, और वो मित्रता किसके साथ में, पड़ोसियों के साथ में। तो पहली चीज जो बिंबिसार ने करी वो पड़ोसी लोगों के साथ में शांति समझौते करना शुरू किए। शांति समझौते होते थे या फिर वॉर होता था।
ये दो तरीके होते थे जिससे आप किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या चुना? शांति समझौता। तो पहली चीज, पड़ोसियों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे किए जाए, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय चुना कि दोस्ती या फिर शांति समझौते इन लोगों के साथ में साइन कर लेते हैं, जिससे हम अपनी टेरिटरी को मजबूत कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका था इनका विवाह। ठीक है, होता था ऐसा, राजा महाराजा क्या करते थे, बगल वाले महाजनपद की रानी के साथ में विवाह कर लेते थे। ठीक है, और पता चलता था कि जब महारानी वहां की तो फिर हमारी ससुराल वहां की, और ससुराल वहां की तो वो एरिया हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाता था, ये वो राजा विवाह ही इसलिए करते थे कि वो राजधानी को मजबूत करना चाहते थे अपने, और उसके चक्कर में दूसरी राजधानी को कैप्चर भी कर लेते थे। ठीक है, तो एक जो तरीका इनका देखने को मिलता है वो दिखता है विवाह। विवाह के रूप में ये क्या करते हैं, दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध स्थापित करने के बाद में अपने राज्य को और शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्ती कर लेना, विवाह बना लेना। ठीक है, और ऐसे अगर तीसरे प्रमाण के ऊपर जाओगे तो वो है व्यापार। ठीक है, व्यापार, व्यापारिक मुनाफे देना शुरू कर दीजिए अपने आसपास के इलाकों पे, या फिर इंटरनेशनल टेरिटरी के साथ में व्यापार करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप व्यापार के तौर पर मजबूत हो जाओगे, जैसे अगर हम देखें इकोनॉमिक बेसिस पे जो सबसे शक्तिशाली कंट्री होती है वही तो सबसे डेवलप्ड कंट्री होती है दुनिया की, यूएसए चाइना इसलिए तो है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इकोनॉमिकली सबसे मजबूत है। तो व्यापार के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए इस समय, तो व्यापार मतलब इकोनॉमी, आर्थिकी अगर मजबूत कर ले हम अपने, तो हम खुद अपने आप शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इन्होंने तीन माध्यम ये चुने थे, एक तो पड़ोसियों के साथ में शांति समझौते, दूसरा विवाह के प्रस्ताव रख के उनके साथ विवाह समझौते करके, और तीसरा क्या है, व्यापार करके। ठीक है, तो बिंबिसार की पॉलिसी बहुत क्लियर एंड कट थी। वो पहले ही सबसे पहले क्या करना चाहते थे, वो मगध एम्पायर को मजबूत बनाना चाहते थे। नया एम्पायर शुरू हुआ उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये तीन तरीके चुने। ठीक है, इन तरीकों के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं, और वो डिटेल अब आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, ये देखिए पहली चीज तो बुद्ध के महावीर, बुद्ध और महावीर के समकालीन तो हैं, वो तो आपको डेट से पता ही चल गया होगा इनके। ठीक है, और ये त्रिस्तरी नीति के अंदर यही वाली बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, वैवाहिक संबंध जिसके अंदर पहला। ठीक है, वैवाहिक संबंध इन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित किए वो जगह इंपॉर्टेंट आ जाती है उसके बारे में, जैसे कौशल, लिच्छवी और मध्य, ये इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, कौशल की महारानी थी कौशली, जिनके साथ में इन्होंने यहाँ पे विवाह किया था, और उनके साथ में विवाह करने के बाद में कौशल के इलाकों के ऊपर, या कौशल के इलाके, कौशल भी एक महाजनपद देखा था अभी हमने। ठीक है, तो कौशल महाजनपद के ऊपर इनका पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे आया, कौशल की महारानी के साथ में विवाह करने के बाद। ठीक है, लिच्छवी, लिच्छवी की महारानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला भी जो इसकी महारानी है। किसी को पता है इनकी महारानी का नाम क्या था, लिच्छवी की, चेमन्ना। ठीक है, चेमन्ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। कौशली के बाद में चेमन्ना लिच्छवी की महारानी थी, और लिच्छवी की महारानी चेमन्ना के साथ में इनका विवाह, और इन्होंने विवाह के बाद में लिच्छवी के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद में मद्र, मद्र इलाका, ये पंजाब पंजाब के आसपास का जो इलाका है उसको मद्र का इलाका बोला जाता है। मद्र के इलाके के अंदर जो महारानी थी उनका नाम था छेमा। ठीक है, क्या नाम था, छेमा। तो छेमा के साथ में इन्होंने विवाह किया था, छेमा के साथ में विवाह करके उस इलाके को इन्होंने थोड़ा बहुत मजबूत कर लिया। ठीक है, एक महारानी और है जो वैशाली की थी, जिससे इन्होंने विवाह किया था, जिनका नाम आम्रपाली था। ठीक है, तो ये चार महारानी के साथ में इन्होंने विवाह किया था, चार अलग अलग कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अभी तक आपने ये देखा कि कितने चार विवाह हुए, और चारों विवाहों को अलग अलग जगहों पे किया गया। क्यों किया गया, वे वैवाहिक संबंध क्यों बनाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल तरीके से मजबूत करना चाहते थे अपने इलाके को। ठीक है, इस बात को इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अरे जाओ नहीं जाएगा, हाँ कौन बोला नहीं जाएगा, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। देखो क्या क्या बोले, नेताओं का सच बोलना, बोल तो रहे मोदी जी, हाँ मैं तो मान लू, मैं सच ही बोल रहा, देख लो जाके ब्रुनेई के अंदर कौशली। ठीक है, यहाँ की महारानी का नाम, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल बातें नहीं करता मैं ज्यादा। ठीक, यहाँ की महारानी का नाम कौशली, जिनको कौशली के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, लिच्छवी, लिच्छवी के अंदर महारानी का नाम है चेमन्ना। ठीक है,
ध्यान रखिए ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मंत्र यहाँ की बात करी तो यहाँ की महारानी का नाम है क्षेमा। ठीक, एक नाम और था वैशाली, जो वैशाली जगह है उस वैशाली के अंदर महारानी जो थी उनका नाम है आम्रपाली। ठीक है, ये चार अलग अलग जगहें और चारों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए इन्होंने चार जगह पे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो ये चारों जगह वैवाहिक संबंध दिखाई दे रहा है। इन चारों में इनकी जो फेवरेट वाइफ थी वो थी ये क्षेमा। ठीक है, फेवरेट तो होगा ना चारों में कोई ना कोई, जो सबसे ज्यादा सबसे कम दिमाग खाता हो है ना वो सबसे फेवरेट होगा। ठीक है, तो उनमें क्षेमन्ना जो थी वो सबसे फेवरेट रहा करती थी। और क्षेमन्ना जो थी वो जैन अनुयायी थी, कौन से जैन धर्म को फॉलो किया करते थे। तो इसी वजह से बिंबिसार भी कौन से धर्म के अनुयायी बन गए, जैन धर्म के। तो बिंबिसार का रिलीजन कभी भी आएगा, धर्म कभी भी आएगा, तो वो जैन धर्म के ही अनुयायी कहलाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी के संरक्षण में इन्होंने क्या करा था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म को संरक्षण भी दिया, जैन धर्म को प्रमोट भी किया। किसकी वजह से, सिर्फ क्षेमन्ना की वजह से। ठीक है, तो ये इसलिए जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कौशाली, क्षेमन्ना और क्षेमा और आम्रपाली चार विवाह। इसमें से कौशल, लिच्छवी और मद्र इन जगहों पे तो इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, लेकिन वैशाली, क्योंकि वैशाली के ऊपर इन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया था, अटैक कर दिया था। क्योंकि देखिए हर जगह तो दोस्ती प्रस्ताव नहीं ले जा सकते, कहीं कहीं तो मजबूरी भी है। हाँ, हिंदू फिलोसफी को फॉलो करने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने जैनिज्म को फॉलो कर लिया था। आप जहाँ जा रहे हो वो बिंदुसार है। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार में फर्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये वैशाली जो इलाका था, इस इलाके के राजा ने इनको यहाँ पर कंट्रोल करना या फिर यहाँ पे इस इलाके के अंदर अलाउ ही नहीं किया कि आप वैशाली के ऊपर कंट्रोल कर पाओ या वैशाली में अपना कंट्रोल स्थापित कर पाओ। इस वजह से वैशाली के ऊपर इन्होंने अटैक करा और अटैक में ये यहाँ से हार गए, तो इनके हाथ में वैशाली कभी नहीं आ पाया, इनके जीते जी वैशाली इनके हाथों में नहीं आ पाया। ठीक है, महारानी आम्रपाली, तो सबसे अप्रिय महारानी कौन हो जाएंगी, अप्रिय बोला मैं, अप्रिय आम्रपाली हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रिय कौन हो जाएंगे, आम्रपाली हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए मित्रता वाला जो सेकंड वाला हमने बोला था, ये भी इन्होंने किया। मित्रता के लिए एक बहुत जीविका नाम आपने सुना हो, ठीक है, वैद्य के तौर पर जाने जाते हैं जीविका। ठीक है, वो बहुत बड़े वैद्य हैं उस जमाने के, जो किसके संरक्षण में थे, बिंबिसार के संरक्षण में, उनके दरबार में थे। जीविका को इन्होंने भेजा था अवंती। ठीक, अवंती भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं महाजनपद है, और अवंती महाजनपद के राजा बहुत बीमार है, उन राजा का कहीं उपचार नहीं हो पा रहा है और वो लगभग अपने जीवन और मरण की सिचुएशन के बीच में झूल रहे हैं। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति मेरा इलाज करेगा उस व्यक्ति को मैं अपना साम्राज्य सौंप दूं। ठीक है, इनके पास में जीविका वैद्य थे, इन्होंने सीधा वैद्य को उठा के कहा भेज दिया, उनके पास भेज दिया। और जीविका जैसे ही अवंती के राजा के पास पहुंचे, उन्होंने अवंती के राजा का उपचार कर दिया, जिससे वहां के राजा ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे अवंती के राज्य को किसको सौंप दिया, वो बिंबिसार को सौंप दिया। तो अवंती कैसे आ गया इनके हाथों में, वो जीविका की वजह से आ गया, उस वैद्य की वजह से आ गया। ठीक है, तीसरा ये भी है, कमजोर पड़ोसियों पर विजय भी कह सकते हो आप। ठीक है, मैंने बोला कि हर जगह आपको दोस्ती काम नहीं आएगी, कहीं कहीं वॉर भी हुए। उन वॉर के अंदर जैसे इन्होंने क्या करा, अंग जो महाजनपद है उस महाजनपद के ऊपर इन्होंने अटैक करा और अटैक करके विजय प्राप्त कर। ठीक है, तो वो बड़े बड़े इलाके जो इस समय में मगध साम्राज्य में मिल चुके थे, कौशल, ठीक है, लिच्छवी, मद्र का इलाका, या फिर आप कहो तो अवंती का इलाका और अंग का इलाका, ये सब किसके पार्ट है, आप मगध के पार्ट है। किसके समय में, बिंबिसार के समय में ही ये सब इसके पार्ट बन चुके थे। ठीक है, तो इसको यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिंबिसार क्योंकि काफी समय हो गया, लगभग 15-16 साल की उम्र में ये राजा बन चुके थे। कितने साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में। ये कहानी वैसे ही समझ लो जैसे अकबर की। ठीक है, अकबर तो 13-14 साल में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन कितना लंबा समय तक उसने शासन किया, ऐसा ही कुछ इनके समय काल में हुआ कि यहाँ पर बिंबिसार राजा तो बन गए, राजा बनने के बाद में मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, मरे तो उनका बेटा राज कर आता है। ठीक है, अब मर ही नहीं रहे थे, जैसे अकबर के समय में हुआ था, हुमायूं कब से वेट कर रहा था कि अकबर मरे तो मैं राजा बनूंगा, है ना, तो उसने क्या करा था, अकबर पे अटैक कर दिया था। इसी वजह से सेम यहाँ पे हुआ, इसने बिंबिसार को बार बार बोला कि भाई गद्दी मुझे दे दो,
गद्दी मुझे दे दो, लेकिन ये गद्दी नहीं दे रहे थे इन्हें। तो अजातशत्रु ने क्या करा, इनके ऊपर अटैक कर दिया और बोले विवाह पे विवाह, विवाह पे विवाह तो करने के लिए समय है, अपने बेटे को गद्दी देने के लिए समय नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहते हुए क्या करा, इनके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में इनको, अजातशत्रु को पितृहंता की उपाधि के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अटैक करके अपने ही पिता की मृत्यु, मतलब उनकी हत्या कर दी थी। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी, मिसाल की, और हाँ वो भी हुआ था। ठीक है, वो जैसा देखेगा इंसान वैसे तो बनेगा, है ना, तो वही पूत कपूत वाली सिचुएशन है पूरी की पूरी। ठीक, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, और बिंबिसार की हत्या करने के बाद में अगले राजा कौन बन गए, अजातशत्रु बन गए। अजातशत्रु की पॉलिसी थोड़ी अलग थी। अजातशत्रु का मानना था कि पड़ोसियों से दोस्ती करने से अच्छा है, कल को वो धोखा जरूर देंगे, उससे अच्छा अटैक करो, अटैक करके राज्य को अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में मिला लो। ठीक है, तो वो हमेशा इस पूरी की पूरी पॉलिसी के साथ चला करते थे। तो अजातशत्रु ने यहाँ पर क्या करा, आधुनिक मशीनों को यूज करना शुरू कर दिया। आधुनिक मशीनों की अगर बात करें तो मॉडर्न उस समय की मशीनरी जिनसे वॉर होते थे, ऐसी मशीनों को लाना शुरू कर दिया। अभी आप देखोगे कि तलवारों से लड़ाइयाँ हो रही, या लोग एक दूसरे को पत्थर फेंक के मारे दे रहे हैं, उससे लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, हाँ होता था ऐसा। ठीक है, वो उससे भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और ऐसी तमाम वॉर्स या लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी जिसमें ऐसे हथियार पाए जाते थे। ठीक है, अब हथियारों की श्रेणी बदल गई जब अजातशत्रु ने नए हथियारों को लाना शुरू किया। ठीक है, अब फिर से मैं बोलूंगा, आपने बाहुबली देखी है या नहीं देखी, ये दो हैं हथियार जो समय में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अजातशत्रु ने। एक हथियार का नाम था महाशिलाकंटक। ठीक है, महाशिलाकंटक एक ऐसा ही हथियार है जिसको हिंदी में छोटी गुलेल बोला जाता है, ये बड़ी गुलेल। ठीक है, इसमें क्या होता था, बड़ा सा पत्थर यहाँ पे फंसाया जाता था, या फिर ऐसा कोई उपकरण यहाँ फंसा के उसको खींच के दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया जाता था। ठीक है, उससे क्या होता था, उनकी बहुत ज्यादा अमाउंट में हत्याएं हो जाती थी, जिससे वॉर में ये मशीनीकरण यूज करने वाले लोग आगे होते थे। ये बाहुबली में आपने देखी होगी ये वाली मशीन। ठीक है, जब बाहुबली का सीन वो जो दिखाया है उसका साथ में कटप्पा के साथ वाली। ठीक है, तो ये वाली मशीन भी आपने वही देखी होगी। ठीक है, ये भल्लार देव वाली जो मशीन है ना, हाँ, वो यहाँ बीच में बैठ जाता है, दोनों तरफ से तो अटैक हो नहीं सकता, और सामने तो चक्र चल रहा है ना, ऐसे करके। तो क्या करता था ये, इसको लेके आगे बढ़ता चला जाता था। अब जो बीच में आता था उसकी गर्दन कटती चली जाती थी, उड़ता चला जाता था, और वो उसका खात्मा होता चला जाता था। बेसिकली इन दो मशीनों को अजातशत्रु ने ही याद किया था, और ये दोनों मशीनें यूज होती थी वॉर में। पहली बार ऐसी मशीनें देखी गई थी वॉर में, तो किसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता था, अजातशत्रु को हुआ करता था। तो अजातशत्रु ने इस सबको क्या करा, अपने बेसिकली ऐसी जगहों को भी अपने पार्ट में मिला लिया जो जगह बिंबिसार नहीं कंट्रोल कर पाया, जैसे बनारस या वैशाली। अभी वैशाली देख रहे थे ना, नहीं कंट्रोल कर पाया था बिंबिसार, इसने क्या करा, इन मशीनों के उपकरण को यूज करके बनारस को या फिर वैशाली को जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बुद्ध, गौतम बुद्ध से ये प्रेरित थे बहुत ज्यादा अजातशत्रु। पिताजी देखिए कौन है, जैन धर्म के अनुयायी है, लेकिन पुत्र कौन है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बुद्धिज्म से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। तभी पहली काउंसिल किसके अंडर में हुई थी, अजातशत्रु के अंडर में हुई थी। कब हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन से सन में हुई, 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में मतलब। और कहां पे हुई थी, राजगृह में, राजगृह में तो हुई थी, है ना। हाँ, तो याद रखो ये सब जगह जो बेसिकली है किसकी है, ये सब अजातशत्रु की ही जगह है जहां अजातशत्रु ने ये सब चीजें करना शुरू की। तो इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि उसने वॉर टैक्टिक्स को डेवलप किया, जिसकी वजह से उसने वैशाली या बनारस जैसे राज्य को जीता। साथ ही साथ में आप देखोगे गौतम बुद्ध से मुलाकात के साथ में बुद्धिज्म को भी प्रमोट करने की कोशिश की है। ठीक है, भरहुत की मूर्तियां जो है बेसिकली जो आपने देखी है, जो अभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा, वहां मैं बुद्धिस्ट की मूर्तियों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। उन मूर्तियों में देखा गया है कि ये डिस्कशन पूरा का पूरा दिखाया गया है कि अजातशत्रु गौतम बुद्ध के साथ कैसे डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कशन को कहीं ना कहीं वहां पे दिखाया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, इन्होंने अपनी नई राजधानी क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र। इवन बोला जाता है पटना राज्य को बसाने वाला भी व्यक्ति कौन है, वो यही है। ठीक है, पाटलिपुत्र बसाने वाले व्यक्ति कौन कहलाया जाता है, अजातशत्रु ही कहलाए जाते हैं, उन्होंने पाटलिपुत्र को बना। इसके बाद में इनका साम्राज्य वीक पड़ गया अजातशत्रु के बाद में, क्योंकि जितने भी लोग आए वो पैरासाइट के तौर पर कार्य करते हैं। पैरासाइट का मतलब समझते हो, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कि जिस जी
जीव पे बैठेगा उसी जीव को नुकसान पहुंचाता है, वो होता है पैरासाइट, जैसे बालों में जू होता है ना, मेरे नहीं लेकिन होता है। तो होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में ही रह के आपका ही खून पीता रहता है, ठीक है, उसे पैरासाइट कहते हैं। ऐसी हर चीज वो पैरासाइट होती है जो आपकी बॉडी के ऊपर रह के आपको ही नुकसान पहुंचाए। तो पैरासाइट की तरह इनकी पूरी श्रृंखला में कार्य किया सारे रूलर्स ने आके, जैसे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी अजातशत्रु ने, अब अजातशत्रु की हत्या कर देगा इनका बेटा जिसका नाम है उदयन, ठीक है। उदयन ने बोला अजातशत्रु से, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब लाओ मुझे शासन करने दो, तो उसने क्या करा अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में यहाँ पे एक नया शासक आया जिसका नाम था उदयन, ठीक है। उदयन बेसिकली उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, और इसके बाद में सारे सारे साम्राज्य विस्थापित होते गए। उदयन के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, नागदशक का नाम बताया था, नागदशक इसके अंतिम शासक हुए, और नागदशक की हत्या किसने कर दी, शिशुनाग। अब यहाँ से कौन सा वंश शुरू हो जाएगा, शिशुनाग राजवंश। मगध एम्पायर के ऊपर हर्यक राजवंश समाप्त होता है 413 ईस्वी पूर्व में, और उसके बाद में नया राजवंश 413 में कौन सा शुरू हो जाएगा, शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश क्योंकि मंत्री थे ये उनके नागदशक के, इन्होंने क्या करा, उन्हें धोखा दिया, धोखा देकर उनकी हत्या कर दी नागदशक की। देखिये पूरी के पूरे परिवार की हत्या हुई है उसमें, जितने भी लोग हैं सारे हरियंदु राजवंश के, ठीक है, और उसके बाद में वो राजवंश नहीं टिक पाया, फाइनली नागदशक ने हत्या करके और ये साम्राज्य को अपने में मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अवंती, अवंती मैंने अभी पीछे आपको बताया था किसने हिस्सा बना लिया था अवंती को अपना, किसने बनाया था, बिंबिसार ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन नागदशक के समय में अवंती इनके हाथों से चला गया, ठीक है, किसके समय में, नागदशक के समय में। वापस से शिशुनाग ने आके क्या करा, अवंती को फिर से हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अगर शिशुनाग के समय की कोई इंपॉर्टेंट घटना की बात करेंगे आप, तो पहले शिशुनाग राजवंश के राजा है जिन्होंने क्या करा था, अवंती को अपने साम्राज्य का एक पार्ट बना लिया था, ठीक है। शिशुनाग के बाद में अगला शासक आया कालाशोक, ठीक है। अब कालाशोक भी आपको पता है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म की सेकंड काउंसिल इनके समय में हुई, ठीक है, और सेकंड काउंसिल कहां पे हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो अब ये भी पता चल रहा होगा कि वैशाली मगध का ही पार्ट है, ठीक है। तो कालाशोक द्वितीय बहुत बुद्धिस्ट काउंसिल उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और इनकी हत्या नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसके बाद आए थे नागदशक, इसके बाद आए थे नागदशन, हाँ सॉरी नंदी वर्मन, ठीक है, नागदशक तो उस समय में थे, ठीक है, इस समय में कौन आया, नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन की हत्या किसने कर दी, महापद्मनंद ने कर दी, और महापद्मनंद ने हत्या करके यहाँ पे एक नया राजवंश शुरू किया जिसका नाम था नंद राजवंश, ठीक है। तभी हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि ये तीन टोटल राजवंश हुए हैं स्टार्टिंग फेज में जो जाने जाते हैं मगध एम्पायर के ऊपर रूल करने के लिए, ठीक है। नंद राजवंश आया, उसमें पहले महापद्मनंद आए, महापद्मनंद या नंद वंश को बोला जाता है पहला ऐसा साम्राज्य जो निचली जाति का साम्राज्य था, ये इतिहास में लिखा हुआ है। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पे कोई ब्राह्मण रूल नहीं कर रहा, यहाँ कोई क्षत्रिय रूल नहीं कर रहा, यहाँ वैश्य तक रूल नहीं कर रहे, यहाँ पे कौन रूल कर रहे, रूल कर रहे शूद्र रूल कर रहे हैं, ठीक है, और शूद्र रूल कर रहा है। तो पहला शूद्र शासक अगर कोई जाना जाता है आया, तो वो कौन आया था, नंद वंश के महापद्मनंद आए, ठीक है। तो महापद्मनंद का नाम याद रखता है हमें। अब ये शूद्र राजवंश थे, तो इन्होंने क्या करा, साम्राज्य के निर्माण के लिए काफी सारी चीजें की है, जिसमें एक कलिंग विजय भी है, इनके इंपॉर्टेंट समय की क्या है, कलिंग विजय। तो इन्होंने उस समय में कलिंगों पर विजय भी प्राप्त की थी, इसलिए ये जाने जाते हैं। इसके बाद में धनानंद है, और धनानंद को जाना जाता है अंतिम राजा के तौर पे, जिनको जीत के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पे आके रुकती नहीं है, ये बात मैं करूंगा 326 ईसा पूर्व की, कहा 326 ईसा पूर्व का। भाई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, 5 मिनट बची क्लास में, वो कहानी सुनो, ठीक है। बात करने जा रहे हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करने से पहले मौर्य वंश किस तरीके से भारत में स्थापित हुआ उसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हर्यक वंश और अभी आपने शिशुनाग वंश देखा और उसके बाद नंद वंश देखा, इसमें आपको रूलर्स और उनकी डेट भी अगर याद है, अगर ये भी याद है कि कौन से समय काल में कौन कौन से शासक ने आके यहाँ पे रूल किया, तब भी बहुत सफिशियंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी आती लगाने को जैसा मैंने बताया
क्वेश्चन ज्यादा अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आते हैं तो कहां से आते हैं, मौर्य वंश से आते हैं, ठीक है। तो मौर्य राजवंश शुरू करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके अंदर हमें बहुत डिटेल में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है। ये मैंने बहुत जल्दबाजी में इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इससे रिलेटेड सिर्फ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने घटनाएं भी इसलिए बता दी कि चलो याद हो जाए, शायद आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब मौर्य राजवंश इतना इंपॉर्टेंट है कि मौर्य राजवंश में आपको सारे के सारे राजा इंपॉर्टेंट हैं वो याद करने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी याद करना है, बिंदुसार भी याद करना है, अशोका भी याद करना है, इन तीन के बारे में तो रट लेना है बिल्कुल एक एक पॉइंट कि क्या क्या घटनाएं इनके समय में इन समय काल में हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर चले। उससे पहले एक बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ पे चाणक्य, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते, ठीक है, क्योंकि जब तक चंद्रगुप्त मौर्य हो ही नहीं सकते थे राजा जब तक वहां पे चाणक्य ना होते। तो चाणक्य को बोला जाता है कि चाणक्य ही वो व्यक्ति हैं, वो गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य को राजा बनाया, ठीक है। कहानी ये है कि एक बार एक बालक उन्हें खेलता हुआ दिखाई दिया रास्ते में ऐसे, ठीक है। होता था पहले कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते थे, देख के पहचान जाते थे कि ये लड़का उत्पाती है थोड़ा, है ना, आगे चल के कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा करेगा, है ना। हम लोग को तो बचपन में किसी ने देखा तो जूते और मारे थे, ठीक है। और उस समय के लोग क्या करते थे कि पहचान जाया करते थे, ये उत्पाती लड़का है, शैतान है या थोड़ी बहुत नोटोरियस चीजें कर रहा है, तो ये लड़का आगे चल के कुछ अच्छा कर सकता है, वो ऐसे बच्चों को अपने साथ में ले जाया करते थे, ठीक है। तो क्या करा चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद में इनको ले गया कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अपने साथ रखूंगा और अपने साथ रख कर तुम्हें सारी शिक्षाएं दूंगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य प्रोफेसर हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अभी पीछे गंधार के बारे में पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे एक जगह है तक्षशिला और वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो प्रोफेसर हुआ करते थे, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। भाई उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को रखा और उनको वहाँ पे पालना भी शुरू किया, उनको शिक्षा देना भी शुरू करी और तमाम टैक्टिक्स बताते चले गए किस किस तरीके से क्या क्या वॉर्स में या फिर लड़ाइयों में या फिर राजा बनने के लिए जरूरी होता है, ये सब कुछ सिखा रहे हैं उन्हें। उन्हें नहीं पता कि वो भारत में अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य को देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वो सिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके अंदर कुछ ना कुछ हुनर दिखाई दे रहा है, तो वो सिखा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जब समय आया राजा बनने का, उससे ही जस्ट पहले कुछ समय ऐसा हुआ कि भारत के ऊपर एक अटैक हुआ, ठीक है, और वो अटैक था सिकंदर का अटैक, ठीक है। सिकंदर का अटैक, ये डेट जो मैंने लिखी है 326 ईसा पूर्व, ये वही डेट है जिस समय भारत के अंदर सिकंदर घुसना चाहता था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत के सिंध इलाके तक पहुंच गया, ठीक है। सिंध का इलाका जो था उसमें एक राजा राज करते थे जिनका नाम था पोरस, ठीक है, क्या नाम था, पोरस। पोरस वहां राज किया करते थे, पोरस जब वहां राज किया करते थे तो सिकंदर ने अटैक किया। सिकंदर वो व्यक्ति है जिसको जाना जाता है विश्व का विजेता, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि अपने क्षेत्र का या फिर अपने इलाके का। मैसेडोनिया का एक छोटी सी उम्र का लड़का, वो लड़का निकला जब अपने घर से तो उसने एक कसम खाई थी कि दुनिया के हर इलाके को जीतूंगा, ठीक है, और दुनिया के हर इलाके को जीतने निकल पड़ा हो और उसने जीता, ठीक है। हर इलाके की बात करूं तो हर एक देश को आके नहीं जीता उसने, हर इलाके की बात करें तो हर एक कॉन्टिनेंट को जीता हुआ व्यक्ति अगर कोई कहलाता है तो वो सिकंदर कहलाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पूरे विश्व का विजेता बोला जाता है। मैसेडोनिया से जब सिकंदर निकला तो सिकंदर ने अपना अगला टारगेट बनाया था एशिया, एशिया के अंदर चाइना वाइना ऐसी जगहों से तो उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था और अरेबिक रीजन्स के ऊपर भी उसका अच्छा खासा रोल था, तो वो एशिया को भी करता था, उस पर भी उसका वर्चस्व था, लेकिन उसका ध्यान था एशिया में एक जगह है इंडिया, उस इंडिया के ऊपर, और इंडिया से भी ज्यादा उसका ध्यान था मगध एम्पायर के ऊपर। कहाँ पे, मगध, क्योंकि मगध की चर्चा पूरे विश्व में थी, मगध इतना बड़ा एम्पायर बन चुका था जिसकी चर्चा पूरे विश्व में थी। जब उसने एंटर किया पोरस के इलाके में सिंध के अंदर, तो पोरस के साथ एक वॉर हुआ, उस वॉर के अंदर पोरस हार गए और पोरस के हारने के बाद में सिकंदर ने क्या बोला कि अब तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि अब ये राजवंश पूरा का पूरा सिंध मेरा, ठीक है। तो सिंध राजवंश के ऊपर पूरा इलाका कब्जाने के बाद में पोरस ने क्या करा, हारने के बाद में भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मेरे राजशाही वंश में ये चीज नहीं सिखाई गई है और मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकना पसंद नहीं, ठीक है। जब ये बात पोरस की किसने सुनी, सिकंदर ने सुनी, तो सिकंदर इस बात से काफी प्रभावित हुए और सिकंदर को लगा कि मार तो सकते हैं, ऑप्शन अच्छा, सुमार दिया जाए कि मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन वो समझदार भी था साथ में,
उसने कहा क्यों ना पोरस को यूज किया जाए भारत की विजय के लिए, मगध की विजय के लिए। तो उसने पोरस को बुलाया और पोरस को बुलाने के बाद में एक समझौता किया, और समझौता ये था कि मैं तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस लौटा दूंगा, पूरा सिंध तुम्हें वापस दे दूंगा, शर्त तुम्हें मेरी एक माननी पड़ेगी, मुझे वो रास्ता दिखाओ जिस रास्ते से मैं मगध एम्पायर के ऊपर अटैक कर सकूं और मगध को जीत सकूं। ठीक है, ये मगध को जीतने के लिए पोरस तैयार हो गए, क्योंकि पोरस तैयार तो हुए थे, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर था कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार हो गए, दूसरा सिकंदर की वाइफ ने पोरस के हाथ में जाकर राखी बांधी, हो गया इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, तो अभी तक तो एक पॉलिटिकल कनेक्शन था, अब तो यहाँ रिश्तेदारी में बातें हो गई। ठीक है, तो अब रिश्तेदारी वाली बातें जब जैसे ही चेंज हुई, ये सिकंदर क्या करता था, उसकी टेक्निक थी, जब किसी राजा के ऊपर उसे मारने का मन नहीं करता था तो वो क्या करता था, अपनी वाइफ को भेज के राखी बनवा दिया करता था और कहता था कि आज से बहन भाई। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद तो करनी पड़ेगी, मजबूर हो तुम करने के लिए। ठीक, तो इमोशनल एंगल से भी बहुत खेला करता था। तो अब सिकंदर की बात मानने को कौन तैयार हो गए, पोरस तैयार हो गए। पोरस ने बोला ठीक है मैं मानने को तैयार हूँ आपकी बात, और सिकंदर ने रास्ता दिखा दिया। मगध में इस समय धनानंद राज कर रहा है, और धनानंद बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, इगोइस्टिक मतलब इतना इगोइस्टिक है वो किसी भी जाति के किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि शूद्र जाति का मैंने बताया पहला राजा बना था, और वो हमेशा नाराज था इस बात से, ब्राह्मणों से क्षत्रियों से वैश्य सबसे नाराज रहता था वो, तो बोले वो इस तरीके का इगोइस्टिक राजा। तो उसने बहुत सारे तरीके बताए पोरस ने कि आप मगध साम्राज्य के ऊपर राज कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब चर्चाएं जब हो रही है, ये सब देश के अंदर हो रहा है, तो तक्षशिला से बैठा हुआ एक ज्ञानी इस सारी चीजों को देख रहा है, जिसका नाम चाणक्य है, और चाणक्य बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत के अंदर सिकंदर घुसा तो पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति तो दूर की बात है, भारत का नामो निशान मिटा देगा। ठीक है, तो ये हालत अगर भारत की हो गई तो भारत की हालत ये लगभग आने वाले समय तक भारत अपने बहुत पिछड़ेपन पे चला जाएगा और कभी उभर नहीं पाएगा। अब चाणक्य ने दिमाग लगाया, यहाँ बैठे चाणक्य ने सोचा कि किसी भी तरीके से सिकंदर को रोकना बहुत जरूरी है। तो बोले सिकंदर को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले सबसे पहले रोको जाके किसको, धनानंद को। धनानंद को तो ये बात अभी पता ही नहीं, धनानंद को तो ये सूचना ही नहीं है कि भाई सिकंदर खड़ा हुआ है वहां पे और अटैक करने जा रहा है मगध पे। चाणक्य भागते हुए आ गए और कहां पे, धनानंद के पास में। मैंने एक बात अभी बीच में बताई आपको कि धनानंद क्यों नाराज है ब्राह्मणों से, क्योंकि वो देखता चला आया है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ में शोषण करते हैं, वो सबको ऐसा समझता था, चाहे लोग करते हो चाहे ना करते हो। चाणक्य उन्हें संदेश देने आए थे सिर्फ और सिर्फ कि भाई तुम्हें मैं जो हूँ यहाँ पर सिर्फ गाइड करने आया हूँ कि सिकंदर के आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, सिकंदर आक्रमण कर सकता है, अपनी सेना को मजबूत करो। वो इगोइस्टिक पर्सन था, उसके पास में हजारों हाथियों की फौज थी, ठीक है, घोड़ों की फौज थी, हाथियों की फौज थी। बोला जाता है दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी के पास फौज थी तो वो धनानंद के पास में थी उस समय। अब उसकी वजह से इगोइस्टिक था, लेकिन ऐसी कितनी फौजों को रौंदता हुआ सिकंदर आ चुका था, इस बात से वो जो था ज्यादा उसे सीरियस भी नहीं ले रहा था। तो चाणक्य आए, चाणक्य ने आके बताया, उन्हें क्या समझा, गलत समझ लिया धनानंद को, लगा कि ये मेरे को मेरी गद्दी से हटाना चाहते हैं, फिर से ब्राह्मणवाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने क्या करा, उनको ऐसे ही बाल पकड़ के खिंचवा के बाहर फेंकवा दिया, ठीक है, अपने दरबार से बाल पकड़ के ऐसे खिंचवा के बाहर फेंकवा दिया। अब आपने चाणक्य की दो इमेजेस देखी होगी, एक इमेजेस में चाणक्य की चोटी खुली हुई है पूरी, और एक है बंधी हुई होती है, पूरी तरीके से बंधी हुई होती है। ठीक है, चाणक्य ने कसम खाई थी इस चोटी को बांधूंगा नहीं जब तक धनानंद से बदला ना ले। ठीक है, और उसी चोटी को जब खींच के उन्हें बाहर निकाला गया, ये बात जाके वो डायरेक्ट किसको बता सकते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो तैयार था कि चलो अटैक करते हैं, चल के नंदवंश को खत्म करते हैं, मगध साम्राज्य लेते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ समझदारी दिखाई, अपनी बेइज्जती की बात किसी को नहीं बताई, इवन चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके सबसे खास शिष्य थे उन्हें भी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, क्योंकि उन्हें अभी परवाह अपने देश की है, मगध एम्पायर की है, क्योंकि अगर चाणक्य से इस समय चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात बता देते तो चंद्रगुप्त का सारा फोकस किधर चला जाता, धनानंद पे, और वहां फोकस जाते ही सिकंदर की तरफ से सारा फोकस हट जाता है ना। तो उन्होंने बोला इस समय चंद्रगुप्त मौर्य से कि धनानंद तो इस समय मानने को तैयार नहीं है, हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा और हम ही लोग को सिकंदर को किसी ना किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला हमारे पास तो सेना भी नहीं है, हमारे पास आदमी भी नहीं है, हम तो कहीं के शासक भी नहीं है, कैसे रोकेंगे। तो उन्होंने एक सजेशन दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, उन्होंने बोला जाओ सिकंदर की सेना में भर्ती हो जाओ।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। क्या बोला, सिकंदर की सेना में जाके भर्ती हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में भर्ती करा दिया। अब सिकंदर की सेना में वो जैसे ही पहुंचे, उनसे पहुंचे, उनके पहुंचने के बाद में उन्होंने उनको कुछ और बातें बताई। उन्होंने बोला अब एक अफवाह फैला दो सारे लोगों में, जितनी आर्मी आई है सिकंदर की, उस आर्मी के बीच में एक अफवाह फैला दो कि सिंधु नदी को जो पार करता है उसकी हत्या हो जाती है या मर जाता है। ठीक है, ये अफवाह फैला दो जाकर। ठीक है, अब बड़ी लॉजिकल सी बात है, ये अफवाह फैलाने से थोड़ी मान जाएंगे, वो सिकंदर पूरी विश्व को जीतता चला रहा है ना। तो अगर सिंधु को पार करते अगर कोई मर जाता है, ऐसे प्रमाण अगर देखेंगे भी लोग, तब भी शायद ना माने। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम जाओ अफवाह फैलाओ जाके, बताओ लोगों को जाके कि जो सिंधु को पार करता है वो मर जाता है, या तो फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, या तो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, या उसका हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है, लेकिन सिंधु को पार करते ही ऐसा हो जाता है। कारण पूछा गया क्यों, क्यों? बोले देवी देवताओं की भूमि, और देवी देवताओं की भूमि के ऊपर कोई आक्रमण करने की जरा भी कोशिश करता है तो वहाँ के देवी देवताओं से पनिश करते हैं, है ना। तो बोले ये अफवाह फैला दो जाकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्मी ने फैलाना शुरू कर दी, ये अफवाह फैलना तो शुरू होगी लेकिन आर्मी माने ना इस बात को। बोले कैसे मान ले, ऐसा कभी कैसे हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिस पार्ट थे, जिस सेना के पार्ट थे, उसका एक जो जत्था था उसको लेके गए, बोले आओ चलो मेरे साथ में सिंधु घाटी नदी के पार में, चलो दिखाता हूँ क्या होता है। तो थे चार पांच ऐठन में आने जाते हैं, अरे ऐसी तहसील जगह जा रहा है ना, वो चले गए उनके साथ में। तो जो लोग उनके साथ में गए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, मदिरा का प्याला बनाया, उसके अंदर थोड़ा जहर मिलाया और पिला पिला के सबको दे दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सबको दिया। उसके बाद में कुछ समय हुआ, उन लोगों ने अपनी जान गंवाना शुरू कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य भागते हुए गए, बताया मैंने तुमसे कहा था कोई उधर जाता है मर जाता है, कोई भी उधर सिंधु को पार करता है मर जाता है। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, तीसरी चौथी बार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में जो छोटे मोटे जो उनके साथ देने वाले 10-12 लोग थे, किसी से हाथ कटवा दे रहे, किसी से पैर कटवा दे रहे। अब क्या हुआ, ये सब न्यूज़ वायरल होना इतनी तेजी से शुरू हो गए कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बोला था वो सही बोला था, जो सिंधु को पार करता वो मर जाता, या फिर उसके साथ में वहां के देवी देवता कोई ना कोई प्रकोप कर देते जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा घटित हो जाता है। अब जब ये न्यूज तेजी से फैलना शुरू हुई, सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि प्रूफ देख लिए ना, अभी तक प्रूफ ना देखते तो नहीं मानते, अब तो प्रूफ देख लिए कि ऐसा सच में हो रहा है। अब जब प्रूफ और प्रमाण के तौर पर देखा तो सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। सेना ने मना करा सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई वहां पे जादू टोना है, देवी देवताओं की भूमि है या मर जाते हैं जाके, एक कारण तो माना गया ये, दूसरा कारण ये था कि मैसेडोनिया से भारत के आने तक हर रास्ते में सिकंदर लड़ता हुआ आ रहा था, उसकी आर्मी इतनी थक चुकी थी कि अब वो भारत के अंदर एंटर करने के लिए अपने हाथ पैर छोड़ चुके थे। उसने कहा था भारत में अब अटैक करने की हमारी हिम्मत बची नहीं, एक तो वो कारण था। अब उन्हें एक बहाना मिल गया, बोले अरे जादू टोना, मर रहे हैं लोग, देवी देवता, चलो भागो। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, सिकंदर को ये कह दिया कि भाई हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं वापस, हम तुम्हारी तरफ से नहीं कर पाएंगे। सिकंदर ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करी, नहीं माने। सिकंदर ने फिर अपने एक सेनापति को बुलाया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेल्यूकस निकेटर को बुलाया और वो कमांडर इन चीफ था उस समय में, वो आया, उसने बोला सारी सेना को चलो संबोधित करो। सेल्यूकस निकेटर को ये चाल पता चल गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, ये बात किसको पता चल गई थी, सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने जब मोटिवेट करना शुरू किया वहां की आर्मी को, तो ऐसा मोटिवेट कर दिया कि आर्मी और आगे बढ़ने की जगह उल्टी भाग गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर चाहता था सिकंदर भारत में ना घुस पाए, क्यों, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का पर्सनल इंटरेस्ट था मगध के ऊपर। ठीक है, तो वो चाहता था सिकंदर यहाँ जैसे निकलेगा मैं तुरंत जाके वहां पे घुस जाऊंगा, क्योंकि वहां पैसा बहुत है और वो पैसे के लालच में हर कोई। तो उसने ये बोला, अब क्या हुआ, आर्मी जो बची कुछ ही रुकना भी चाहती थी वो भी उल्टी भाग गई। ठीक है, अब सिकंदर की सेना भारत के अंदर कभी घुस नहीं पाई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण चाणक्य थे, जिनकी नीति और चंद्रगुप्त के जो यहाँ पे कार्य हैं उन कार्यों की वजह से, इन दोनों की वजह से वो सेना यहाँ से वापस चली गई। सेल्यूकस निकेटर की कहानी को यहीं छोड़ेंगे, आगे थोड़ा सा बात करेंगे जब सेल्यूकस निकेटर की बात आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सिकंदर को तो जैसे तैसे यहाँ से भगा दिया। कहानी 326 ईसा पूर्व से चली आई 323 ईसा पूर्व में, और वापस जाते 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 3 वर्ष बाद सिकंदर की वहां पे इराक के अंदर मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर का चैप्टर खत्म, सिकंदर की बात खत्म हो गई यहाँ पे। एक चीज अब क्या हुई यहाँ पे, इसी समय काल के अंदर अब जैसे ही खतरा टला, कौन सा खतरा, कि अब सिकंदर अटैक नहीं करेगा, चाणक्य ने तुरंत चंद्रगुप्त को बताया कि धनानंद ने मेरे साथ ये किया।
ठीक है, समय देख रहे हो, हर चीज होती है लेकिन उसका एक समय होता है, और चाणक्य इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। बोले सिकंदर का खतरा टल गया, अब किसको बुलाओ, अब बुलाओ चंद्रगुप्त को और उसको पूरी बात बताओ। अब इन्होंने उसको पूरी बात बताई, चंद्रगुप्त एकदम तहश में गुस्सा में आ गया बुरी तरीके से, बोले अब नंदवंश समाप्त पूरी तरीके से खत्म करके मानूंगा, ठीक है। और वो कहानी शुरू होती है वहां से, जब चंद्रगुप्त मौर्य अगला अटैक करेंगे नंदवंश, और एक अटैक नहीं करें मल्टीपल्स अटैक करें, बीसियों तीसियों अटैक कर डाले, सब में हार रहे थे, कोई अटैक नहीं जीत पा रहे थे, लगातार अटैक करते 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 फिर एक जंगल की कहानी है, वो जंगल की कहानी कल आप लोग को सुनाएंगे। वो जंगल की कहानी के बाद में उनको थोड़ी सी अकल आई कि अच्छा ऐसे अटैक करना है, अब इस अटैक को करने के बाद में तब जब ऐसा अटैक किया गया तब जाके चंद्रगुप्त मौर्य अगले मौर्य वंश के संस्थापक के तौर पर जा रहे हैं, ठीक है। तो जंगल वाली कहानी कल पड़ेगी, है ना, आज से यहीं तक। थैंक यू सो मच। ये चरण नहीं आए, चरण को दे देगा आंसर।